Hey guys, तो आज के एपिसोड में हम लोग खेलने वाले हैं 100 डेज इन कार फॉर सेल सिमुलेटर। तो गाइस, कार फॉर सेल एक बहुत ही कमाल का कार सिमुलेटर गेम है जिसमें हम लोगों को स्टार्टिंग में मिलता है एक छोटा सा कार शोरूम जिसको बना रहा है हमें इस शहर का सबसे बड़ा शोरूम। लेकिन ये कहना इतना ज्यादा आसान नहीं है क्योंकि हम लोगों को जो कार है वो सस्ते में खरीदनी होगी और उनको सेल करना होगा हाई प्राइस में, तभी अपना प्रॉफिट होगा और तभी हम लोग बना पाएंगे शहर का सबसे बड़ा शोरूम। और गाइस, इस गेम में है बहुत ही कमाल सुपरकार, इस गेम में है ऑडी, इस गेम में है लेम्बो, इस गेम में है निसान GTR और भाई इस गेम में है डॉज वाइपर। और हम लोग इन सुपरकार के साथ ड्रैग रेस भी कर सकते हैं और हम लोग बेटेस्ट कार भी कर सकते हैं। इसका मतलब अगर ड्रैग रेस हम लोग जीत जाते हैं तो कार हमारी हो जाएगी। तो गाइज, हमारे पास है 100 डेज और 100 डेज में हम लोगों को शहर का सबसे बड़ा कार शोरूम बनाना है, उसमें लेके आनी है सारे रेयर कार। देखना होगा क्या हम लोग सारे रेयर कार का कलेक्शन बना पाएंगे यार। है तो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं इस मजेदार एपिसोड को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो मीशो का नाम तो सब्सक्राइब करें, वो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर लेम्बो देख के मारो या ऑडी, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारा लाइक टारगेट है 500 लाइक्स, तो फटाक से आगे लाइक कर देना। तो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं इस मजेदार एपिसोड को, लेट्स गो। ओके गाइस, तो ये है अपना शोरूम जिसे बनाना है हमें शहर का सबसे बड़ा शोरूम, जिसमें लेके आनी है सारी स्पोर्ट्स कार। अभी छोटा है लेकिन हमें बनाना है इसे शहर का सबसे बड़ा और कमाल का शोरूम। चलो जल्दी से इसको साफ करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है, तो फटाक से इसको साफ करते हैं। अपने शोरूम को साफ करने के बाद टाइम था अपने शोरूम का नाम रखने का, तो अपने शोरूम का नाम होगा ब्लेज मोटर्स, जो की काफी अच्छा नाम है। और इसके बाद फाइनली टाइम था अपने शोरूम को ओपन करने का, तो हम लोगों ने फाइनली अपने शोरूम को ओपन कर दिया है। तो गाइस, कुछ ऐसा लग रहा है अपना शोरूम जो कि दिखने में काफी अच्छा लग रहा है, अभी छोटा है क्योंकि अपने पास पैसे नहीं है। तो चलो चलते हैं, लेके आते हैं कुछ कमाल की कार और उनको सेल करते हैं और करते हैं बहुत तगड़ा प्रॉफिट। ओके गाइस, तो अभी अपन लोग अपने नेबरहुड में आ गए हैं जहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी कार मिल जाएंगी। हम लोगों को अपने पड़ोसियों को पटाना होगा, तभी तो हम लोगों को कार थोड़े सस्ते में मिलेंगी और उनको हम लोग महंगे में बेचेंगे, तभी अपना तगड़ा प्रॉफिट होगा। पहले अंकल मिल गए, हेलो अंकल, क्या हाल है, कैसे हो अंकल? कार देखो बहुत गंदी है अंकल, ये तो बहुत सस्ती है अंकल, मजाक नहीं कर रहा, ये कार मुझे दे दो, आपकी किसी काम की नहीं है। 41,000 अंकल रहने दो, ये इसका डारे को कौन देगा 41,000, क्या ठग रहे हो अंकल सुबह सुबह। ओके गाइस, तो फाइनली दूसरी कार मिल गई है और ये तो अपनी आंटी जी हैं, आंटी जी को आराम से हम लोग मना सकते हैं। आंटी जी देखो ये कार इतनी अच्छी नहीं है, इतनी भी अच्छी नहीं है यार, क्या यार इसके $8,000 कौन देगा आंटी, ये तो देखो ये टूटी हुई है। ओ गाइस, तो फाइनली मेरे को एक कबाड़ा कार मिल गई जिसको, अंकल ये बहुत सस्ती कार है, मुझे नहीं पता, देखो इसकी क्वालिटी देख लो यार। हाँ अंकल, आप समझदार हो अंकल, ये कार बेकार है इसीलिए हमें दे दो। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने अंकल से ये कार परचेज कर ली है और हम लोगों को 10 एक्सपीरियंस भी मिला है। तो भाई ये है कार जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा गंदी लग रही है, लेकिन हम लोग इसको अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हैं क्योंकि भाई अगर लोग शोरूम से परचेज करेंगे तो थोड़ा महंगा ही जाएगा ना। ओके गाइस, मेरे को एक और कार दिखी है, चलो चलते हैं पूछने की ये कार कितने की है। रहने दो आंटी, नहीं देना तो मत दो यार, पता नहीं लोगों को क्या हो गया, इतनी महंगी महंगी कारों को प्राइस रख दिया है भाई। ओके गाइस, मेरे को एक ट्रक दिखाए, चलो जाके देखते हैं। ओ भाई यहाँ पे दीदी बैठी हुई हैं, चलो जाके पूछते हैं ये ट्रक कितने के देंगी। हेलो दीदी, क्या हाल है, ये ट्रक देखो वैसे भी पुराना हो गया है। हाँ दीदी, ये सही प्राइस है इस ट्रक की, ये सच्ची में पुराना है। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने एक ट्रक भी परचेस कर लिया है और भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ इसके हमें काफी अच्छे प्राइस मिल सकते हैं, तो चलो इसको लेके चलते हैं अपने शोरूम में। चलो भाई इस ट्रक को चला के देखते हैं क्या ये चल रहा है या नहीं। भाई ये ट्रक तो काफी अच्छा चल रहा है, इसके हमें काफी अच्छे प्राइस मिल सकते हैं, चलो लेके चलते हैं इसे अपने शोरूम में। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोग अपने ऑफिस में आ गए हैं और ऑफिस के सामने ही अपना रिपेयरिंग सेंटर, ये अपना नहीं है, हमें इसके पैसे देने होते हैं, लेकिन हमें अपना कारों को रिपेयर कराना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपन लोग अपनी कारों को रिपेयर नहीं कराएंगे तो वो उनका प्राइस ना बढ़ेगा ही नहीं, अगर उनको हम लोगों को हाई प्राइस में सेल करना है तो उनको रिपेयर कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सोचो भाई शोरूम से कौन ही मतलब खटारा कार खरीदेगा, तो उनको रिपेयर कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये ट्रक का चढ़ा गया भाई, ये तो छत के बाहर चला गया है भाई, ये क्या ग्लिच है। ओके गाइस, तो फाइनली अपनी कार और अपने ट्रक रिपेयर हो गए हैं, तो चलो इनको लेके चलते हैं और इनको सेल करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने अपना ट्रक और कार को पार्क कर दिया है, अभी टाइम है इनको सेल पर रखने का, देखते हैं इनका हम लोग प्राइस कितना रख सकते हैं। चलो भाई जल्दी से इनको सेल पर रखते हैं। अपनी कार हम लोगों ने 2200 की परचेज की थी, तो हम लोग इसका प्राइस रखने वाले हैं 3500 और ट्रक हम लोगों ने 4100 का परचेस किया था, तो हम लोग इसका प्राइस रखने वाले हैं 5500। और थोड़ी ही देर में कस्टमर आना भी स्टार्ट हो जाता है, भाई इतनी जल्दी कस्टमर आ गए वरना मेरे को लगा था बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। हेलो दीदी, क्या हाल चाल, तो आप ये कार कितने की लोगे?
यस। तो भाई हम लोगों ने पहली कार अपनी 3500 की सेल कर दी भाई। ओ नो भाई, इतने सारे कस्टमर। अरे एक ट्रक की तो है भाई, ट्रक इतना ज्यादा क्या क्या है इस ट्रक में, ये क्या है भाई, ये लैम्बोर्गिनी नहीं है जो इतने सारे कस्टमर आए भाई, समझ नहीं आ रहा है इतने सारे लोग एक ट्रक खरीदने आए हैं। हेलो अंकल, ये ट्रक कुछ ज्यादा पसंद आ गया आपको? यार भाई समझ नहीं आ रहा। हेलो अंकल, पता है ये ट्रक बहुत ही ज्यादा कमाल है, ये जादू ही ट्रक का मजाक नहीं कर रहा, इतनी भीड़ देखो। लेकिन अंकल को पैसे नहीं दे, निकलो यहाँ से। हेलो दीदी क्या हाल है, ये ट्रक बहुत ही ज्यादा कमाल है, ये जादू ही ट्रक है, देख लो दीदी पैसे देख लो। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग अपने ट्रक को भी सेल कर सकते हैं भाई, इतने सारे लोग एक ट्रक खरीदने आए थे भाई, मजाक नहीं, एक ट्रक खरीदने इतने सारे लोग आ रहे हैं, पता नहीं क्या है इस ट्रक में। ओके गाइस, इसके बाद हम लोग अपने ऑफिस को क्लोज करते हैं और चलते हैं सोने के लिए। भाई आज अपना पहला दिन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा गया है। और इसके बाद हम लोग जाते हैं अपने घर पे सोने के लिए। और हाँ भाई, हम लोग एक कंटेनर में सोते हैं। और डे टू को हम लोगों को पता चलता है आज है कार मार्केट, यानी कार मार्केट में हमें बहुत सारी कार मिलेगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग जाते हैं अपने ऑफिस में, जितना भी गंदगी है वो साफ करते हैं भाई। एक दिन के बाद बहुत ही ज्यादा गंदगी हो जाती है ऑफिस के बाद, तो वो हमें साफ करनी ही पड़ती है। ऑफिस को साफ करने के बाद एक अच्छी कार खरीदने के लिए हम लोग जाते हैं कार मार्केट। ओके गाइस, तो ये है कार मार्केट, जहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी कार एक साथ देखने के लिए मिलती है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ये सारी कार खरीद सकते हैं भाई, कितनी कमाल कमाल कार है यहाँ पे, जिनको आप लोग खरीद के सेल भी कर सकते हैं या खुद ड्राइव करो भाई, जो कहना है वो करो भाई। यहाँ देखो कितनी कमाल कमाल कार है, ये वाली कार क्या ही मस्त लग रही है, ये कार बहुत ज्यादा गंदी है लेकिन ये वाली भी अच्छी है। ओ दादी के पास भी एक अच्छी कार है, दादी क्या हाल चाल, ये कार कितने की दे रही हो दादी? थोड़ी महंगी है दादी, देख लो यार। नहीं दादी इतने पैसे नहीं है। हेलो अंकल क्या हाल चाल, ये कार कितने की थी? अरे यार अंकल रहने दो, इतनी महंगी कार कौन देता है। और कुछ लोगों को पूछने के बाद हम लोगों को पता चलता है ये कार मार्केट हम जैसे गरीबों के लिए नहीं है, और इसीलिए हम लोग अपने नेबरहुड में आ जाते हैं। हेलो पड़ोसी दीदी, क्या हाल है आपके, आप कैसे हो? मैं यहीं पर रहता हूँ पास में, आप ये कार बेच रहे हो पता चला? थैंक यू दीदी भाई। तो फाइनली हम लोगों को एक अच्छी होंडा की कार मिल गई है, और ये काफी सस्ते में मिल गई है हम लोगों को, ये काफी अच्छी कार है, हम लोग इसको अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हैं। हेलो अंकल क्या हाल है, पता है ये होंडा वाली कार अच्छी नहीं है यार अंकल, चलते नहीं, ये बेच दो। हाँ आपके लिए नहीं है, ये बेकार है, आपका दिन खराब हो जाएगा, तो हमें दे दो। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने अंकल से एक और होंडा कार परचेज के लिए, अब अपने पास दो होंडा की कार है जिनको सेल करके आप लोग बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हेलो अंकल क्या हाल है अंकल, देखो तो सही गाड़ी का हाल देखो। अरे इस कार के तो टायर ही खराब है अंकल, इस कार के टायर खराब है, ये वैसे भी कोई खरीदेगा नहीं, मैं सच्ची बता रहा हूँ अंकल। हाँ अंकल कोई नहीं खरीदेगा, मेरे को दे दो। तो गाइस हम लोगों ने एक और कार परचेस कर ली है, इसको भी ठीक करा के हम लोग अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हैं। गाइस मेरे को एक और कार दिखी है, चलो चलते हैं, इसको भी अपन लोग सस्ते में ले सकते हैं। हेलो अंकल आपको पता नहीं होगा मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ, ये कार बिल्कुल भी अच्छी नहीं, आप मेरे को सेल कर दो। हाँ अंकल मैं इसका ख्याल रखूंगा। तो गाइस फाइनली हम लोगों को एक और कार मिल गई, और इसकी भी हालत थोड़ी सी खराब है, हम लोगों को इसको रिपेयर कराना होगा, लेकिन अपने पास रिपेयर के लिए पैसे हैं, इसीलिए मैंने कुछ पैसे बचा के रखे थे, क्योंकि अपन लोग रिपेयरिंग में यूज कर सकते हैं। दिखता नहीं है क्या, पता नहीं लोगों को कार चलाने नहीं आता भाई। और इसके बाद अपन लोग अपनी कार को लेके जाते हैं अपने शोरूम में, और भाई अपन लोग सीधा लेके जाने वाले हैं क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम जाता है। लेट्स गो। ठीक है यार इसको रिपेयर कराने तो ले जा रहे हैं, थोड़ी बहुत गंदी हो जाएगी तो क्या है, मतलब थोड़ी बहुत टूट जाएगी तो क्या है भाई, रिपेयर ही करानी है हम लोगों को, बस वहां तक पहुंच जाए भाई, रिपेयरिंग तक पहुंच जाना। ओके भाई ये इसमें गलती नहीं है, ये रोड बहुत ज्यादा रोड नहीं है, मतलब फिर भी यार ये जमीन बहुत ज्यादा खराब है यार। भाई यार क्या अपनी कार पहुंचेगी या नहीं, पहुंच जाएगी, पहुंच गई, यस। तो फाइनली अपनी कार पहुंच गई है भाई, इसमें से धुआं निकल रहा है, कभी भी फट सकती है, मैं तो इसमें निकलने वाला भाई, फटना नहीं भाई। और इसके बाद अपन लोग अपनी दोनों कारों को रिपेयर कराते हैं और तीसरी भी कराएंगे। भाई सच्चे में मैंने कार फॉर सेल में GTA खेल लिया भाई, ये सच्चे में फट जाएगी भाई यार, इसमें से धुआं निकल रहा है, ये कभी भी फट सकती है। और इसके बाद अपन लोग अपनी दोनों होंडा कार को सेल पे लगा देते हैं, एक को अपन लोग रखते हैं 3600 के लिए, दूसरे को रखते हैं अपन लोग 4500 के लिए। और भाई दूसरी वाली थोड़ी महंगी खरीदी थी इसलिए थोड़ा महंगा, उसको सेल भी करेंगे। और इसके बाद हम लोग सोने के लिए जाते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों को बहुत सारी कार सेल करनी है। तो गाइस आज है डे 3 और आज अपन लोगों को पता चलता है कि आज है ऑक्शन, जो कि होगा 1 बजे। लेकिन हम लोग पहले जाते हैं ऑफिस, क्योंकि ऑफिस थोड़ा गंदा है, उसको अपन लोग साफ करेंगे। ऑफिस साफ करने के बाद हम लोगों को एक स्किल पॉइंट मिलता है, जिसका यूज करके हम लोग एक स्किल को अनलॉक कर सकते हैं। और इस स्किल का यूज करके हम लोगों ने स्पंज को अनलॉक किया है, जिसकी मदद से अपन लोग अपनी कार को साफ कर पाएंगे। और भाई जो कार साफ होती हैं, क्लीन होती हैं, उनको अपन लोग हाई प्राइस में सेल कर सकते हैं, क्योंकि जो गंदी कार होती है वो थोड़े लो प्राइस में जाती है। लेकिन अब अपन लोग अपनी कार को थोड़ा और हाई प्राइस में सेल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उनको क्लीन करके सेल करेंगे। और इसके बाद अपन लोग अपनी कार को क्लीन करते हैं, और इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। और कार साफ करते
करते हैं हम लोगों को एक और स्किल पॉइंट मिलता है जिसका यूज करके हम लोग एक और स्किल को अनलॉक करते हैं जो कि है बार्गेनिंग। इसका मतलब ये है जो कस्टमर प्राइस बोलेंगे उसको हम लोग बार्गेन कर सकते हैं। इसका मतलब अपन लोग अपनी कार को थोड़ा और हाई प्राइस में सेल कर सकते हैं। हेलो दीदी, कैसे हो आप? बताइए, होंडा की सबसे अच्छी कार है, इससे अच्छी कार नहीं मिलेगी। तो गाइस फाइनली दीदी खरीदने के लिए तैयार है और हम लोगों ने अपनी पहली होंडा सेल कर दी है। अभी अपनी दूसरी वाली होंडा रह गई है जिसके लिए अभी कस्टमर आए नहीं है। जैसे ही कस्टमर आएंगे उसके बाद हम लोग अपनी दूसरी होंडा भी सेल कर देंगे। सबसे पहले अपन लोग इसको रिपेयर कराते हैं क्योंकि इसमें से आग निकल रही है, कभी भी फट सकती है। और भाई इसको रिपेयर कराने का बहुत ही ज़्यादा खर्चा हुआ है। और हम लोग अपनी दूसरी कार को भी रिपेयर कराते हैं और इसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। भाई इनको रिपेयर कराने में बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो अपन लोगों को इनको हाई प्राइस में सेल करना होगा तभी अपना प्रॉफिट होगा, वरना अपना कुछ नहीं होने वाला। ओके गाइस, तो फाइनली को कस्टमर आ गए हैं कार परचेज। अंकल कैसे, यहाँ से कैसे निकल गए? अंकल जादुई हो क्या? हेलो अंकल, कैसे हो? देखो अंकल, अगर आप जादुई हो तो ये कार परचेज करके जाओ। तो गाइस फाइनली अंकल ने ये कार परचेज कर ली है। वैसे इसका प्राइस थोड़ा कम था इसीलिए अंकल ने परचेज कर ली। अंकल ने सोचा भी नहीं क्योंकि बहुत कम प्राइस था भाई उसका। और इसके बाद अपनी ये दोनों कार भी रिपेयर हो गई थी तो टाइम है इनको भी सेल पे रखने का। और इसके बाद हम लोग इन दोनों कार का प्राइस सेट करते हैं जो कि है 3000। और मुझे लगता है इन दोनों कार के लिए ये प्राइस काफी अच्छा है। और इसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि ऑक्शन का टाइम हो गया है, तो हम लोग फटाक से जाते हैं ऑक्शन में। ऑक्शन में पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोगों को टिकट परचेज करनी होती है, तो हम लोग फटाक से अंकल से टिकट परचेज करते हैं और ऑक्शन में बैठ जाते हैं। और ऑक्शन में बैठने के बाद पता चलता है कि ये ऑक्शन हमारे लिए नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत महंगी महंगी कार है। लेकिन भाई जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम लोग इन कार को भी परचेज कर पाएंगे और अपनी कलेक्शन में रखेंगे। और भाई मैं चाहता हूँ अपने कलेक्शन में सारी रेयर कार हो भाई, तभी तो मज़ा आएगा। और अपने पास 100 डे हैं और मुझे लगता है 100 डे में हम लोग ये कलेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट कार आती है जिसका इनिशियल प्राइस था $1.5 लाख। उसके बाद हम लोग अपने ऑक्शन से निकल आते हैं क्योंकि अपने पास सिर्फ $6000 हैं और वो 1.5 लाख की कार है। और ऑफिस पहुंचने के बाद पता चलता है कि कस्टमर आ गए हैं, तो सबसे पहले अपन लोग अपनी कार को साफ करते हैं, उसके बाद टाइम है इन कार को सेल करने का। हेलो अंकल, क्या हाल है आपके? अरे अंकल कहीं जाने का नहीं, लीव वीव ना करो, ये बताओ ये कार अच्छी लगी या नहीं। अंकल यार क्या कंजूसी कर रहे हो, ये कार बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा प्राइस बढ़ा लो, बहुत अच्छी कार है, आपके लिए स्पेशल ऑफर है, मान जाओ। देखो मैंने बहुत ज्यादा पैसे कम कर दिए हैं। ओके अंकल मान जाते, इतने पैसे कम कर दिए फिर भी क्या मतलब, $1 कम किया था भाई। अंकल मान ही नहीं रहे तो इनके लिए थोड़ा प्राइस और कम कर देते हैं, अंकल मान जाओ। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने अपनी तीसरी कार को भी सेल कर दिया है। हेलो दीदी, क्या हाल है आपके? ये कार आपके लिए परफेक्ट है, मतलब इससे अच्छी कार आपको मिलेगी नहीं आपके लिए। दीदी यार थोड़े और पैसे बढ़ा लेती, क्या ही जा रहा था, अब मेरे को थोड़ा सा बार्गेनिंग करनी पड़ेगा। देखो ये लास्ट ऑफर है, ये लास्ट ऑफर है, मान जाओ। क्या कंजूस हो दीदी, अब ये लास्ट है दीदी, मान जाओ, मेरे को नहीं पता, मान जाओ। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने अपनी लास्ट कार भी सेल कर दी है। ये था अपना day 3 और ये काफी अच्छा गया। तो गाइस आज अपने पास टोटल $12,000 है जो कि काफी अच्छा प्राइस है, देखते हैं अपना नेक्स्ट डे कैसा जाता है। ओके गाइस, day 4 और आज ऑक्शन है और ऑक्शन थोड़ा लेट है तो अपन लोगों को थोड़ा वेट करना होगा। देखते हैं भाई, अपने पास वैसे भी ज्यादा पैसे नहीं है और $12,000 में मुझे नहीं लगता अपन लोगों को कोई अच्छी कार मिलेगी। तो सबसे पहले अपन लोग अपने ऑफिस साफ करते हैं, उसके बाद अपन लोग अपने नेबरहुड में जाते हैं कार परचेज करने के लिए। ओके गाइस, तो फाइनली मेरे को अपनी पहली कार मिल गई है जिसको अपन लोग परचेज करने वाले हैं और ये कार काफी ज्यादा अच्छी है, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी परचेज की थी। अंकल इस कार का ये प्राइस नहीं है, ये 1500 की मिलती है, मान जाओ अंकल। क्या अंकल 1600 में, मान जाओ यार अंकल प्लीज। नहीं अब दे दो भाई जितने की दे रहे हो यार, अंकल मान ही नहीं रहे भाई, क्या पता नहीं कैसे लोग हैं। ओके गाइस, मेरे को एक और कमाल की कार दिखी है। हेलो अंकल, ये अपनी होंडा है अंकल, ये बिल्कुल भी अच्छी कार नहीं है अंकल, मेरे को मानो, मैंने कल 2 खरीदी है और सच्चे बता रहा हूँ अंकल, इसको लेने के लिए कस्टमर भी नहीं आते, वो पैसे भी नहीं देते। अंकल दे दो, ये काफी अच्छा प्राइस है, 2300। अंकल आपके लिए स्पेशल ऑफर 2450, मान जाओ अंकल। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने एक होंडा भी परचेज कर लिया है और इसको भी हम लोग अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हैं इजीली, 300 से तो ज्यादा ही जाती है, ऑलमोस्ट 4000 तक चली जाती है, तो ये काफी ज्यादा अच्छी है। हेलो अंकल, क्या हाल है अंकल? अंकल ये कार तो बहुत ज्यादा पुरानी हो गई, ये पांडा वंडा आज के टाइम की कोई नहीं खरीदता अंकल, सच्ची बता रहा हूँ, इतनी महंगी तो कोई नहीं खरीदेगा अंकल, ये मेरे को दे दो, आपको ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा अंकल, ये बहुत अच्छा प्राइस है 3000। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने एक कमाल की कार खरीद ली है जो कि अपनी पांडा है, ये भी काफी अच्छी चली जाती है, ऑलमोस्ट 5000 तक चली जाएगी, तो अपना अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को पहले ये रिपेयर करानी पड़ेगी जिसमें थोड़ा सा खर्चा होगा, लेकिन अपने पास पैसे हैं जिसकी मदद से आप लोग इसको रिपेयर करा सकते हैं और अच्छे प्राइस में भी सेल कर सकते हैं। मेरे को एक अच्छी कार दिखी है जिसको आप लोग परचेस कर सकते हैं और अपना बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। अंकल क्या कर रहे हो अंकल, इतनी महंगी नहीं जाती ये कार, पता नहीं लोगों को क्या हो गया। और इसके बाद अपन लोग अपनी तीनों कार को रिपेयर कराते हैं और उसके बाद टाइम था इनको सेल करने का। ओके गाइस, तो टाइम है इनको सेल करने का। तो पहली कार का हम लोग प्राइस रखने वाले हैं 3500 जो कि
मुझे लगता है काफी अच्छा प्राइस है। होंडा की भी हम लोग रखने वाले हैं, थोड़ा ज्यादा रखेंगे, 4000 मुझे लगता है इसके मिल सकते हैं। अभी पांडा अपनी रिपेयर हो रही है, उसके बाद उसको भी सेल पर लगा देंगे। तब तो हम लोग क्या कहते हैं, इन कार को साफ कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को हाई प्राइस मिलेगा इन कार का। ओके गाइज, तो फाइनली अपनी कार साफ हो गई है और अंकल भी आ गए हैं। हेलो अंकल, क्या हाल है, बाहर से क्यों देख रहे हो, खरीद के ले जाओ, बहुत अच्छी कार है अंकल, मान जाओ सच्ची में बहुत अच्छी कार है। क्या अंकल, क्या कंजूसी कहते हो अंकल, इतने कम पैसे में नहीं मिलती ये कार, बहुत ज्यादा महंगी है अंकल। अरे जुड़वा भाई आ गए अंकल के, अभी तो मना किया था अंकल, अब बता रहा हूँ इतने कम में नहीं दूंगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, देख लो अंकल। ओ भाई चार यार भाई, ये हुई ना बात, ये अंकल के जुड़वा भाई बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, वो अंकल इतने अच्छे नहीं थे भाई, मजा आ गया। ये कार 4000 में हम लोगों ने सेल किया है, जो कि काफी अच्छा प्राइस है। ओके गाइस, तो टाइम है पांडा को सेल पे लगाने का, और इसके भी हम लोग काफी अच्छे प्राइस रखने वाले हैं, जो कि 4500। मुझे लगता है ये प्राइसिंग काफी ज्यादा अच्छी है, और इस प्राइस में पांडा सच्ची में बहुत अच्छी कार है। जब तक कस्टमर नहीं आ रहे तब तक इसको साफ भी कर लेते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली अपनी कार साफ हो गई है और कस्टमर भी आ गए हैं। हेलो दीदी, क्या हाल है, ये कार बहुत अच्छी है, ले जाओ दीदी ले जाओ। अब मैं कोई डिस्काउंट बार्गेनिंग कुछ नहीं है दीदी, ले जाओ, आप बहुत अच्छी हो इसीलिए मैं ये कार सेल कर रहा हूँ आपको, ले जाओ भाई। भाई मजा आ गया, पांडा सच्ची में बहुत मस्त कार है भाई, मजा आ गया इसको सेल करके। और इसके बाद अपन लोग जाते हैं अपने नेबरहुड में और कार परचेस करने के लिए, तभी हम लोगों को मिलती है ऑडी Q7, जो कि एक बहुत ही कमाल की SUV है। अगर हम लोगों को ये अच्छी प्राइस में मिल गई तो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा। अरे दीदी मान जाओ, क्या कंजूसी कर रही हो। ओके दीदी लास्ट ऑफर, मान जाओ भाई मान जाओ प्लीज। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों को मिल गई है ऑडी Q7, जो कि एक बहुत ही कमाल कार है, लेकिन इसको अभी अपन लोगों को रिपेयर कराना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग इसको अच्छे प्राइस में भी सेल कर सकते हैं। और आज का दिन भी हो गया है कंप्लीट, और सोने से पहले अपन लोग अपने ऑफिस में जाते हैं इसको बंद करने के लिए, तो पता चलता है यहाँ पे एक कस्टमर आ गए। हेलो अंकल, इतनी रात में कार खरीदने आए हो, ये कार काफी ज्यादा अच्छी है अंकल, आप परचेस कर सकते हो। अंकल इतनी कंजूसी काय को कहते हो, अंकल आप रात में आए हो तो इसीलिए मैं आपको एक स्पेशल डिस्काउंट दे जा रहा हूँ, अंकल ले जाओ ले जाओ। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने अपनी इको कार सेल कर दिया और अपने पास ऑलमोस्ट $7,000 होने वाला है, जो कि काफी अच्छा प्राइस है। ओके गाइस, Day 5 तो आज है कार मार्केट, लेकिन अपन लोग पहले जाएंगे अपने ऑफिस में, ऑफिस को साफ करेंगे, उसके बाद चलेंगे कार मार्केट, देखते हैं आज अपन लोगों को कोई अच्छी कार मिलती है या नहीं। ऑफिस साफ करते हुए हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों को इको स्किल पॉइंट मिला है, जिसका अपन लोग यूज करते हैं और अपने बार्गेनिंग स्किल को अपग्रेड करते हैं, क्योंकि आज जाना है कार मार्केट और परचेज करनी है बहुत सारी कार, लेकिन अपने पास पैसे नहीं है वो अलग बात है। और इसके बाद टाइम था अपनी ऑडी Q7 को सेल करने का, जिसका प्राइस रखते हैं अपन लोग $12,000, जो कि मुझे लगता है ऑडी Q7 के लिए काफी अच्छा प्राइस है। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोग कार मार्केट आ गए हैं, और भाई कोई अच्छी कार तो देख नहीं रही जिसको अपन लोग खरीद सके, मतलब अपने पास पैसे बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी कोई अच्छी कार है नहीं जिसको अपन लोग खरीद सके। अच्छा है भाई कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है, वरना भाई बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि हम लोग उसको खरीद नहीं पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को आगे स्पोर्ट्स कार ना मिले, भगवान आगे दे देना अच्छी अच्छी सारी स्पोर्ट्स कार देना जब हमारे पास पैसे हो। और यहाँ से अपन लोग एक अच्छी कार को परचेस करते हैं, जो कि सिवेल्ट की सीट है, और ये काफी अच्छी प्राइस है, जिसको हम लोग परचेस करते हैं 6400 में। और ऑफिस पहुंचने के बाद पता चलता है कि ऑडी Q7 के लिए कस्टमर भी आ गए हैं। हेलो दीदी, क्या हाल है आपके, ये है ऑडी Q7, जो कि बहुत ही अच्छी कार है भाई, दीदी मुझे लगता है परचेस कर सकते हैं, थोड़ा सा बार्गेनिंग करेंगे तो अच्छे प्राइस में अपन लोग सेल कर सकते हैं, दीदी आपके लिए स्पेशल है। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने ऑडी Q7 को सेल कर दिया है, और अपने पास काफी अच्छे पैसे भी आ गए हैं, तो अपन लोग अपनी नई C10 को भी रिपेयर करा सकते हैं, क्योंकि अपने पास पैसे नहीं थे भाई, $200 थे, लेकिन फाइनली हम लोग इसको भी रिपेयर करा सकते हैं। और चलते हैं कार मार्केट, देखते हैं कोई और अच्छी कार अपन लोग सेल के लिए परचेस कर सकते हैं या नहीं। और इसके बाद हम लोग कार मार्केट जाते हैं, जहां से अपन लोग एक और कमाल कार परचेस करते हैं, जो कि होती है अपनी BMW Series 5, और जिसको हम लोग परचेस करते हैं $10,800 में, जो कि इस कार का बहुत ही अच्छा प्राइस है। और इसके बाद अपन लोग अपनी C10 को भी सेल पर रखते हैं, जिसका प्राइस हम लोग रखते हैं $10,000, जो कि मुझे लगता है इस कार के लिए काफी अच्छा प्राइस है। और इसके बाद अपन लोग अपनी BMW को भी सेल पर लगाते हैं, जिसका प्राइस अपन लोग रखते हैं $15,000, जो कि मुझे लगता है कोई भी दे देगा। हेलो दीदी, क्या हाल है, ये C10 बहुत ही ज्यादा क्लासी कार है, दीदी छोड़ो मत, ये ले लो ले लो। मेरे को लगता है थोड़ा सा बार्गेनिंग करना होगा, उसके बाद हम लोग इसको भी सेल कर पाएंगे। दीदी आपके लिए स्पेशल ऑफर है, 9600, ले लो ले लो ले लो। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोग अपनी C10 को भी सेल कर दिया है। अभी देखो अपन लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, जब तक अपन लोगों की BMW के लिए कस्टमर नहीं आते। और इसके बाद हम लोग फिर से जाते हैं कार मार्केट, जहां से अपन लोग परचेस करते हैं सेवेल्ट की ब्रेज, और ये बहुत ही कमाल कार है, जिसको हम लोग परचेस करते हैं 8300 में, जो कि इस कार का बहुत ही अच्छा प्राइस है, इसको हम लोग बहुत अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हैं भाई। ओके गाइस, तो
BMW के लिए भी कस्टमर आ गए हैं। हेलो दीदी, क्या हाल है? अपनी कार बहुत ही ज्यादा अच्छी है, आपके लिए बेस्ट है दीदी, ले जाओ। यस गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने BMW को भी सेल कर दिया है, जो कि है $15,000 पे। मैंने बोला था BMW काफी अच्छी कार है भाई। और इसके बाद हम लोग फिर से जाते हैं कार मार्केट कार परचेज करने के लिए, और भाई हम लोग दो कमाल की कार परचेज करते हैं। पहली कार होती है तोफाक शाहीन, और इसके हम लोग 2500 दे रहे हैं, जो कि थोड़े ज्यादा है, लेकिन हम लोग इसलिए कार परचेज कर रहे हैं क्योंकि भाई इससे एक्सपीरियंस भी मिलता है, और अपना जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा हम लोगों को स्किल पॉइंट मिलेंगे, जिसका यूज करके अपन लोग अपनी बार्गेनिंग स्किल बढ़ा सकते हैं और भी स्किल्स को अनलॉक कर सकते हैं, जिनका यूज करके अपन लोग बहुत ही महंगे में कार को सेल कर सकते हैं। और दूसरी कार हम लोग परचेज करते हैं क्लोटन की A1, ये भी काफी अच्छी कार है, जिसको हम लोग परचेज करते हैं $7,500 का। तो गाइस, हमारे पास दो कार और आ गई है सेल करने के लिए, और ये सब करने में बहुत ज्यादा रात हो जाती है, तो इसके बाद हम लोग जाते हैं सोने के लिए। ओके गाइस, तो ये है Day 6। आज ऑक्शन है जो कि 5 बजे होगा, तो अपन लोगों को बहुत ज्यादा वेट करना होगा, तब तो अपने पास जो कार है उनको अपन लोग सेल करते हैं, ताकि अपने पास थोड़े बहुत पैसे आए। और भाई मुझे नहीं लगता अभी ऑक्शन में जाने का मतलब है, क्योंकि ऑक्शन में बहुत ही महंगी कार आती है, जब तक अपने पास $1-2 लाख नहीं होते तब तक ऑक्शन में जाने का कोई मतलब ही नहीं है, तब तक अपन लोग अपने नेबर से खरीदते रहेंगे, अपने पड़ोसी मस्त है भाई उनसे खरीद के सेल करते रहेंगे। और इसके बाद अपन लोग अपनी कार को सेल पर रखते हैं, तो अपनी क्लोटिन A1 का अपन लोग प्राइस रखते हैं $11,000, जो कि मुझे लगता है इसके कोई भी आसानी से दे सकता है। और सिविल ब्रेज का हम लोग प्राइस रखते हैं $30,000, जो कि मुझे लगता है इस कार के कोई भी आसानी से दे सकता है। हेलो अंकल, क्या हाल है? ये बहुत ही अच्छी कार है, ये सिविल की ब्रेज है अंकल। अंकल मान जाओ, देखो मैं आपके लिए एक फाइनल प्राइस रखता हूँ, और मुझे लगता है ये प्राइस काफी ज्यादा अच्छे है अंकल, देखो अगर लेनी है ले लो, बहुत अच्छे प्राइस है। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने अपनी A1 को सेल कर दिया है, जो कि बहुत अच्छे प्राइस पर गई है। अभी अपन लोग ये अपनी दूसरी कार को साफ कर देते हैं, इसके लिए भी बहुत सारे कस्टमर आ गए हैं, तो इसके भी हम लोगों को अच्छी कार से प्राइस मिल सकते हैं। हेलो अंकल, क्या? अरे अंकल जानेगा नहीं अंकल, यार ये अंकल ये बहुत अच्छी कार है, क्लोटरन की A1 है, ये बहुत अच्छी कार है अंकल, थोड़े से और प्राइस बढ़ाओ अंकल, सच्ची में बहुत अच्छी कार है, आप रिग्रेट नहीं करोगे, ये फाइनल प्राइस है अंकल, अंकल मान जाओ अंकल। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने A1 को भी सेल कर दिया है, और अपनी ब्रेस को भी सेल कर दिया है, और उनको सेल करने के बाद अपने पास ऑलमोस्ट $30,000 आ गए हैं, जो कि बहुत अच्छा प्राइस है। अभी अपने पास एक और कार है, लेकिन ये ज़्यादा प्राइस की नहीं आएगी, लेकिन भाई इसको भी सेल करते हैं, और उसके बाद देखें अपने पास टोटल कितने पैसे हो जाएंगे। और इसके बाद हम लोग इस कार को भी सेल पे लगा देते हैं, और इसका प्राइस हम लोग रखते हैं $4,500। और इसके बाद अपन लोग को एक और स्किल पॉइंट मिलता है, जिसका यूज करके हम लोग अपने बार्गेनिंग स्किल को अपग्रेड करते हैं, जिससे लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और इसके बाद हम लोग अपने नेबरहुड में जाते हैं कुछ कार परचेस करने के लिए, क्योंकि हमारे पास पैसे आ गए थे। उसके बाद हम लोग परचेस करते हैं एक ट्रक, जो कि हम लोग $3,000 का परचेस करते हैं। उसके बाद हम लोग को एक बहुत ही अच्छी कार मिलती है, फोर्ड की एस्कॉर्ट क्लासिक, ये बहुत अच्छी कार है, स्टार्टिंग में हम लोग इससे ड्रैग रेस भी कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको परचेस करते हैं $12,500 का, जो कि बहुत अच्छा प्राइस है। इसके बाद हम लोग एक और कार परचेस करते हैं, जो कि अपनी क्लोटरन A4, और ये भी एक अच्छी कार है, इसको हम लोग $10,000-11,000 का सेल कर सकते हैं। और तभी एक कस्टमर अपनी तोफाक शाहीन को भी परचेस करने आ जाते हैं, जिनको अपन लोग सेल करते हैं अपनी तोफाक शाहीन 4400 की, जो कि बहुत अच्छा प्राइस है इस कार के लिए। तो गाइस, ये है Day 7, आज कार मार्केट है, लेकिन अपन लोग पहले ऑफिस जाएंगे, उन कार और ट्रक को सेल करेंगे, उसके बाद अपने पास पैसे आएंगे, तभी अपन लोग जाएंगे कार मार्केट और कमाल की कार को परचेस करने के लिए। और कुछ टाइम बाद एक कस्टमर आ जाते हैं, तो एक दीदी ट्रक के लिए देती है 4700, तो हम लोग उनको सेल कर देते हैं। उसके बाद क्लोटरन A4 के लिए एक अंकल आते हैं, और अंकल को हम लोग 9500 में अपनी क्लोटरन A4 को भी सेल कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग अपनी फोर्ड एस्कॉर्ट लेके जाते हैं ड्रैग रेस के लिए, देखने जा रहे हैं कि अभी कोई कार वहां मिलती है या नहीं। ओके गाइस, तो अपन लोग आ गए हैं ड्रैग रेस में। ओ नो भाई, ये एक प्रीमियम कार है भाई, ये अपनी ऑडी R8 है, लेकिन इसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंदी कर दी है अंकल ने। भाई यार ये अंकल कर लो बैट इस कार, अंकल कर लो यार बैट इस कार, नहीं करेंगे भाई, अपने पास फोर्ड एस्कॉर्ट है, सामने ऑडी R8 है, तो नहीं हो सकता। कोई नहीं गाइस, अंकल को रेस में तो हरा ही सकते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली रेस स्टार्ट होने वाली है, सामने है ऑडी R8 वर्सेस फोर्ड एस्कॉर्ट क्लासिक। अरे नहीं भाई, ये तो बहुत आगे निकल गई। नहीं भाई यार, मैंने डायरेक्ट सेकंड गियर डाल दिया था। ओके जीत सकते हैं भाई, जीत सकते हैं हम लोग, ऑडी R8 को हरा सकते हैं। ओ नो यस, तो गाइस फाइनली हम लोगों ने ऑडी R8 को हरा दिया। भाई ये कैसे हो गया भाई, यार अपनी फोर्ड एस्कॉर्ट ने ऑडी R8 को हरा दिया, ये कैसे हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऑडी R8 वाले अंकल को चलाने नहीं आती थी। भाई ऑडी R8 हार गई है फोर्ड एस्कॉर्ट से,
भाई यार ये कैसे हो गया मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन भाई मजा आ गया। आज हम लोगों ने एक ऑडी R8 को हराया है और हम लोगों को $16,000 भी मिले हैं। इसका मतलब अपन लोग कार मार्केट जा सकते हैं और मस्त कार को परचेस कर सकते हैं। भाई कोई अच्छी कार मिल जाएगी तो मजा आएगा, उसके बाद अपन लोग लोन लेंगे और लोन मैं सोच रहा हूँ 1.5-2 लाख का लेंगे ताकि एक खतरनाक कार ले सकें। एक पोज तो आ ही जाएगी भाई। ओके गाइस तो फाइनली आ गए अपन लोग कार मार्केट। कोई अच्छी कार है या नहीं, कोई कार दिख रही है? ओ भाई मेरे को दिखी ऑडी R8। भाई यहाँ पर भी ऑडी R8, वहाँ भी ऑडी R8। हेलो दीदी हेलो। ओ लैम्बोर्गिनी भी है भाई, गार्डन है लेकिन अपने पास पैसे नहीं है भाई। कितने की दे रहे? ओ अंकल यार थोड़ा सस्ता दे दो अंकल, मतलब 10 पीछे से हटा दो यार अंकल। अंकल देखो मेरे पास बहुत अच्छा ऑफर है, आप मना नहीं कर पाओगे अंकल। ये सारे पैसे ले लो अंकल, दे दो अंकल दे दो। नहीं यार अंकल, अंकल वैसे भी ये करवाड़ा कर दिया आपने, लैम्बोर्गिनी हमें दे दो ना। हेलो दीदी कैसे हो आप? पता है ऑडी R8 इतनी भी अच्छी कार नहीं जितनी आपको लग रही है। नहीं नहीं इतनी प्राइस इसकी है ही नहीं। देखो मैं सच्ची बता रहा हूँ, रियल प्राइस है इसकी $41,912। सच्ची बता रहा हूँ इसकी रियल प्राइस है, मान जाओ। लैम्बो और ऑडी तो मिली नहीं, इसके बाद हम लोग और कार परचेस करते हैं। हम लोग एक ह्युंडई सेंट्रा परचेस करते हैं जो हम लोग $20,000 की परचेस करते हैं, और ये एक अच्छी कार है, इसको भी हम लोग अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग एक और कार परचेस करते हैं जो कि है राडा हैचबैक, ये हम लोग 12,000 की परचेस कर रहे हैं और ये भी एक अच्छी कार है, इसको भी हम लोग हाई प्राइस में सेल कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग अपनी लास्ट कार परचेस करते हैं जो कि है निसान की सेवेल, और भाई इसको हम लोग परचेस करते हैं $9,500 की, और ये एक बहुत अच्छी कार है। देखो ये निसान की अपने प्रीमियम कार तो नहीं है, लेकिन ये कार भी अच्छी है और इसको भी हम लोग हाई प्राइस में सेल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग एक और स्किल अनलॉक करते हैं जिससे हम लोग देख पाएंगे कार की डिटेल, जैसे ये कितनी डैमेज है, कितना इसमें पेंट है, कितना ये डर्ट है, ये सारी चीजें अपन लोग देख पाएंगे। और इसके बाद टाइम था इन कार को सेल करने का। हेलो अंकल क्या हाल है? ये निसान की बहुत अच्छी कार है। तो भाई अंकल को ये कार पसंद आ गई है और हम लोगों ने सेल कर दिया $15,000 की। मैंने बोला था निसान की सेवेल अच्छी है। हेलो दीदी क्या हाल है? ये राडा की बहुत अच्छी कार है, ये हैचबुक है और बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। तो भाई फाइनली दीदी को ये कार पसंद आ गई है, हम लोगों ने $18,000 की ये सेल भी कर दी है। अभी चलते हैं अपन लोग अपने घर पे, और अभी ना अपन लोग क्या करने वाले हैं, अपनी फोर्ड एस्कॉर्ट को अपने पास ही रखेंगे क्योंकि ये ड्रैग रेस में काफी ज्यादा अच्छी है। भाई इसने एक ऑडी को हराया तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी ज्यादा अच्छी है। ओके गाइस तो आज है डे 8 और आज अपन लोग कुछ बिल पे करने हैं, और भाई आज ना ऑक्शन है ना ही कार मार्केट, तो अपन लोग अपने नेबरहुड में जा सकते हैं या ड्रैग रेस के लिए भी जा सकते हैं। ओके गाइस तो फाइनली अपन लोग ड्रैग रेस के लिए आ गए हैं, देखते हैं कोई अच्छी कार। भाई एक मिनट, ये वाली कार मेरे को अच्छी लग रही है भाई, ये एक प्रीमियम कार। ओ ये माजदा X7 है भाई यार, ड्रैग रेस में दीदी दे दो यार कार बैट इस कार, दीदी प्लीज कर दो यार, माजदा X7 क्या करोगे इसका, हमें दे दो भाई, मान ही नहीं रही। तो इसके साथ अपन लोग रेस करने वाले हैं और माजदा X7 को अपन लोग हराने वाले हैं। ओके गाइस तो फाइनली अपनी रेस होने वाली है माजदा X7 से, और भाई मेरे को ये रेस कुछ भी करके जीतना है। अपन लोगों ने ऑडी को हराया था, अपन लोग इसको भी हरा सकते हैं। ओके गाइस तो फाइनली, भाई ये बहुत ज्यादा तेज है। नहीं भाई ठीक है, भाई बीट कर दिया। ओके गाइस भाई यार बहुत आगे, अपन लोग जीत जाएंगे। ओके तो फाइनली अपन लोग जीत गए भाई। भाई यार क्या कार है अपनी फोर्ड एस्कॉर्ट, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, बेस्ट कार है। अपन लोगों ने ऑडी को हराया है, अपन लोगों ने हराया है अभी माजदा X7 को, ये कार बहुत ही ज्यादा कमाल है। और भाई अपनी कार का फ्यूल भी कम हो गया है, तो चलो चलते हैं पेट्रोल पंप पे, इसमें फ्यूल भराते हैं और भाई उसके बाद अपन लोग चलेंगे नेबरहुड, और इसके बाद अपन लोग अपनी कार का फ्यूल फुल कर देते हैं क्योंकि अभी हम लोगों को और स्पोर्ट्स कार को हराना है भाई। और इसके बाद हम लोग बिल भी पे करते हैं जो कि अपना 5500 का था, और भाई अपने पास कार ज्यादा है नहीं, तो भाई कार का भी हम लोगों को ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता। और इसके बाद अपन लोग अपने नेबरहुड में जाते हैं और बहुत सारी कार परचेस करते हैं, और भाई कार परचेस करने के बाद अपन लोग इनको सेल करेंगे जिससे अपने को प्रॉफिट भी होगा, और भाई कार परचेस करने से अपन लोगों को एक्सपीरियंस भी मिलता है जो अपन लोग नई स्किल अनलॉक करने के लिए यूज कर सकते हैं। और इसके बाद अपन लोग अपनी 2 कार और सेल करते हैं जिनकी मदद से अपना टोटल हो जाता है $75,000। इसका मतलब अपन लोग एक अच्छी कार परचेस कर सकते हैं, जैसे हो गई अपनी टोयोटा सुप्रा, और वो बहुत ही अच्छी कार है भाई। ओके गाइस तो आज है डे 9 और आज कार मार्केट ओपन है, तो भाई आज चलो चलते हैं कार मार्केट और देखते कोई अच्छी कार मार्केट में है या नहीं। और रास्ते में हम लोग ड्रैग रेस के लिए भी गए थे और वहाँ कोई भी अच्छी कार नहीं थी, तो हम लोगों ने ड्रैग रेस नहीं की। और कार मार्केट जाने से पहले अपन लोग अपने कार और ट्रक को भी सेल कर देते हैं और अपना टोटल हो जाता है $85,000। इसका मतलब अपन लोग एक अच्छी कार ले सकते हैं। ओके गाइस तो फाइनली अपन लोग कार मार्केट आ गए हैं, और भाई मेरे को कोई भी अच्छी कार नजर आओ भाई, यहाँ पे पोच है, दादी पोच के साथ क्या कर रही हो भाई, यार क्या कमाल लगती है पोच भाई, ये पता बहुत अच्छी कार है और इसकी स्पीड भी अच्छी है। दीदी दादी क्या प्राइस है इसका?
ओके और फाइनली टाइम आ गया था लोन लेने का। और भाई अभी अपन लोग लोन ले सकते हैं 2,57,000 डॉलर का, लेकिन अपन लोग लेते हैं 2,55,000 डॉलर और हम लोग परचेज कर सकते हैं पोच। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोग कार मार्केट आ गए हैं। हेलो दीदी दादी, कैसे हो आप? ये पोच मेरी है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई, ये डैमेज है, देखो इसके प्राइस देखो बहुत कम है भाई, ये डैमेज है, मैं इतने पैसे नहीं देने वाला। 1,25,000 मान जाओ दीदी। ओके गाइस, तो फाइनली अपने पास आ गई है पोच। और भाई ये बहुत अच्छी कार है और इसको अपन लोग इजीली 2.5-3 लाख का सेल कर सकते हैं। और अपने पास फियाद अबाद आ गई है और अबाद बहुत अच्छी कार है, इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अपन लोग इतने नहीं देने वाले। ओ अंकल ये इतने महंगी नहीं मिलती, मेरे को पता है एक अच्छी कार है, 1.5 लाख में मान जाओ, बहुत बहुत अच्छी प्राइस दे रहा हूँ कार, मान जाओ। ओके गाइस, तो फाइनली अपने पास दो कमाल कार आ गई है, दो स्पोर्ट्स कार आ गई है, एक अपने पास अबाद है और एक अपने पास पोच है, और ये दोनों कार बहुत ही ज्यादा कमाल है। अब देखो भाई अपने पास कैसे पैसे आते हैं भाई, अब देखो अब अपन लोग पैसे बनाएंगे। अभी अपने पास क्या था, 85,000 डॉलर, अभी देखना कितने से आएंगे। और इसके साथ साथ अपन लोग और कार भी परचेस कर लेते हैं क्योंकि अपने पास थोड़े से पैसे हैं अभी। और इसके बाद हम लोग इन कार को रिपेयर कराते हैं, क्योंकि सेल करने से पहले अगर हम लोग इन कार को रिपेयर करा देंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छे प्राइस मिलेंगे। हेलो अंकल, क्या हाल है? ये R7 है और ये बहुत ही ज्यादा रेयर कार है अंकल, मान जाओ। ओके भाई, तो अंकल फाइनली मान गए और हम लोगों ने 50,000 में अपन लोगों की R7 सेल कर दी है। अभी रात हो गई है, अभी अपने पास अवध है, अपनी पोच है, जिसको अपन लोग हाई प्राइस में सेल करने वाले हैं और अपना बहुत तगड़ा प्रॉफिट होगा भाई। चलो चलते हैं सोने के लिए, उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों को इन कार को भी सेल करना है। ओके गाइस, तो आज है डे 10 और भाई आज एक ऑक्शन भी है, लेकिन अपने पास बहुत सारी कार है सेल करने के लिए, पहले इन कार को सेल करेंगे और भाई ऑक्शन तक इन कार को सेल कर देंगे ताकि अपन लोग ऑक्शन में चले और एक अच्छी कार लेके आए। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोग ड्राइव रेस में तो आ गए हैं, लेकिन मेरे को कोई अच्छी कार देख नहीं रही। और इसके बाद अपन लोग अपने ऑफिस को ओपन करते हैं और टाइम है इन कार को सेल करने का। हेलो अंकल, क्या हाल है? ये अब आते हैं, ये दुनिया की बेस्ट कार भाई। अंकल मान गए भाई, 2,50,000 डॉलर हम लोगों को मिल गए हैं सिर्फ अवध सेल करके भाई, मजा आ गया है। अभी अपने पास पोच है और एक फांटा भी पड़ी है जिसको अपन लोग सेल करेंगे, लेकिन भाई पोच के तो मुझे लगता है बहुत अच्छे प्राइस मिलेंगे। और इसके बाद अपन लोग अपनी पोच को भी सेल पे लगाते हैं और भाई इसका प्राइस अपन लोग रखते हैं 2,80,000 डॉलर, जो कि मुझे लगता है इसका काफी अच्छा प्राइस है। हेलो अंकल, क्या हाल है? अंकल ये है पोच और ये दुनिया की वन ऑफ द प्रीमियम कार है अंकल। क्या 1,70,000? रहने दो अंकल, ये आपके लिए नहीं है। हेलो दीदी, क्या हाल है? ये है पोच और ये दुनिया की वन ऑफ द प्रीमियम कार है, ये बहुत अच्छी कार है। ओ दीदी खरीद सकती है, अपन लोग थोड़ा सा बार्गेनिंग करते हैं, 2,55,000 जो कि मुझे लगता है काफी अच्छी प्राइस है। देखते हैं दीदी इस प्राइस में पोच को परचेज करती है या नहीं। दीदी ये बहुत अच्छी कार है। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने अपनी पोच को भी सेल कर दिया और भाई अपन लोगों को काफी अच्छा प्रॉफिट हो गया, अपने पास ऑलमोस्ट 6,00,000 डॉलर है जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल है। और जब तक ऑक्शन स्टार्ट नहीं हो रहा, हम लोग अपनी एस्कॉर्ट क्लासिक को भी थोड़ा सा ट्यून कराते हैं, हम लोग इसमें लगाते हैं रेसिंग किट और थोड़ा सा इसका टायर वगैरह चेंज करते हैं और इसके साथ साथ हम लोग इसको कलर भी कराते हैं। तो गाइस फाइनली अपनी फोर्ड क्लासिक एस्कॉर्ट तैयार है। ओके गाइस, तो कुछ ऐसी दिख रही है अपनी फोर्ड एस्कॉर्ट क्लासिक जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल है। इसकी स्पीड अच्छी है इसीलिए मैंने अभी तक इसको रखा है और ये अपनी फर्स्ट कार है जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और भाई ये फाइनली ऑक्शन का भी टाइम हो गया है, तो चलो चलते हैं ऑक्शन को ज्वाइन करते हैं, देखते हैं अपन लोगों को कोई अच्छी कार मिलेगी या नहीं। ओह ना, मस्टैंग है भाई, थोड़ा सा वेट करते हैं कोई अच्छी कार आती है या नहीं, वो भी देखना है भाई मेरे को। और इसके बाद अपन लोग ऑक्शन पे बैठे रहे लेकिन कोई भी अच्छी कार नहीं आई, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 3 कार परचेज की थी और उनमें से थी एक अपनी फोर्ड मस्टैंग जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल है। ओके गाइस, तो फाइनली टाइम है अपनी मस्टैंग को चलाने का। और भाई इसका साउंड थोड़ा सा कम है भाई, थोड़ा सा ज्यादा लो है, लेकिन भाई इसका साउंड लग रहा है कि स्पोर्ट्स कार का साउंड है। और भाई मस्टैंग है तो कमाल भाई, इसकी स्पीड थोड़ी कम है, मतलब 200 होती तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन ये दिखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और थोड़ा सा ड्रिफ्ट भी कर रही है, लेकिन भाई इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी होगी तभी मजा आएगा। ओके गाइस, तो ये है डे 11 और भाई आज भी ऑक्शन है, लेकिन ऑक्शन में जाने से पहले अपोलो चलेंगे ड्रैग रेस के लिए, देखते हैं वहां पे कोई अच्छी कार आई है या नहीं। ओके गाइस, तो फाइनली अपोलो आ गए हैं ड्रैग रेस के लिए, लेकिन कोई भी अच्छी कार नहीं है, तो भाई यहां पे रुकना टाइम वेस्ट है, चलो चलते हैं अपने ऑफिस में। और इसके बाद अपोलो अपनी मस्टैंग को भी ट्यून कराते हैं और इसको कलर भी कराते हैं। और भाई मस्टैंग अपोलो को इतनी ज्यादा पसंद है तो मैंने सोचा इसको अच्छे से कलर कराएंगे, अच्छे से ट्यून कराएंगे। तो गाइस फाइनली अपनी मस्टैंग तैयार है और कुछ ऐसा लुक है और जो दिखने में बहुत ज्यादा कमाल लग रहा है भाई, ये सच्ची में एक मसल कार है और दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। और ओ भाई आज ऑक्शन था, मैं भूल गया, कोई अच्छी कार आई है। अंकल अंकल जल्दी से टिकट दो, अंकल अंकल जल्दी टिकट दो, टिकट दो, टिकट दो। अरे दो ना यार, डायरेक्ट टिकट दिया करो। अरे नहीं,
नहीं भाई कोई अच्छी कार नहीं आई, ये कैसे पॉसिबल है यार, कोई अच्छी कार तो दे दिया करो। अब जो है वही परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट हम लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा और हम लोग अपने स्किल को अनलॉक कर पाएंगे। ये नहीं है ऑडी या फरारी देते हैं, ये क्या कार देते हैं मेरे को तो समझ ही नहीं आता। और फाइनली हम लोग यहाँ से एक कार परचेज करते हैं और इस समय रात हो जाती है तो टाइम है सोने का। लेकिन गाइज आज अपोलो अपने कंटेनर में नहीं सोएंगे, क्योंकि आज के दिन हम लोग परचेज करने वाले हैं अपना ड्रीम हाउस। ओके गाइज तो ये है अपना ड्रीम हाउस, तो टाइम है इसको परचेज करने का। ओके गाइस तो फाइनली अपन लोगों ने बाय कर लिया अपना ड्रीम हाउस, ये अपने नेबरहुड में, और अपन लोग अब यहीं रहेंगे, यहीं सोया करेंगे। और यहाँ पे अपनी एक परमानेंट कार रहेगी जो कि अपने फिलहाल में है मस्टैंग, लेकिन भाई अपन लोग यहाँ पे और भी कमाल की स्पोर्ट्स कार लेके आएंगे, पोच हो गई, लैम्बो, ऑडी, ये सारी कार आएंगी तो भाई बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो फिलहाल टाइम है सोने का। ओके गाइस तो ये है डे 12 और आज अपना कार मार्केट ओपन है, तो भाई ये अपनी मस्टैंग है भाई, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अपन लोग अब अपना खुद का घर है भाई, तो अलग ही आ रहा है। हेलो दीदी क्या हाल है, ऑडी S5 सेल कर रही हो, प्राइस थोड़े ज्यादा है देख लो भाई, लेकिन देखो अगर सस्ते में दोगे तो मैं ले लूंगा। आज सुबह का टाइम है, आपका भी फायदा होगा मेरा भी फायदा होगा, मान जाओ। ओके गाइस तो फाइनली अब उन्होंने सुबह सुबह ही एक कार परचेज कर ली, ये फायदा है भाई नेबरहुड में घर होने का, भाई आप लोगों को थोड़े सस्ते में कार मिल जाएंगी, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हेलो दीदी क्या हाल है, ये एवरॉन है, ये काफी अच्छी कार है, ये मेरे को चाहिए। प्राइस देखो दीदी थोड़ा ज्यादा दे रहे हो आप, मैं आपको देखो इसका सही प्राइस बताता हूँ, ये है इसका सही प्राइस $27,000, ये बिल्कुल परफेक्ट है, मान जाओ $29,000 अब तो मान जाओ। ओके गाइस तो फाइनली अपन लोग अपनी दूसरी कार भी परचेस कर ली है भाई। ओके गाइस तो अभी अपन लोग अपने ऑफिस में चलते हैं, लेकिन ऑफिस में जाने से पहले अपन लोग ड्रैग रेस के लिए भी चलेंगे, देखते हैं कोई अच्छी कार ड्रैग रेस में आती है या नहीं। ओके गाइस तो फाइनली अपन लोग ड्रैग रेस में पहुंच गए और कोई भी अच्छी कार यहाँ है नहीं भाई, कोई तो अच्छी कार रखा करो। एक मिनट ये लास्ट में कौन सी कार है भाई, ये कार तो बहुत ही ज्यादा कमाल लग रही है, निसान GTR भाई, मेरे को लग ही रहा था अंकल दे दो, अंकल बैट इस कार, अंकल कुछ भी कर लो, अंकल पैसे ले लो मेरे पास बहुत है यार, 4 लाख 5 लाख जितने लेने उतने ले लो अंकल, मान जाओ बैट इस कार। और इसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं लेकिन अंकल बिल्कुल नहीं मानते, और इसके बाद फाइनली अपनी ड्रैग रेस होती है निसान GTR के साथ। ओके गाइस तो निसान GTR वर्सेस अपनी फोर्ड मस्टैंग, देखते हैं कौन जीतेगा भाई, मैं तो अपना फुल एक्साइटेड हूं भाई, मुझे पता है अपनी जो अपनी मस्टैंग है वो जीत जाएगी गाइस, भाई टेंशन नहीं लेने का, अपनी मस्टैंग बहुत ही ज्यादा कमाल है। ओके गाइस तो फाइनली अपनी रेस स्टार्ट होने वाली है, 1 2 3 ओके ओके भाई, ओ भाई ये बहुत तेज है, हाँ ठीक है अब लोग आगे ओके भाई ओके तो फाइनली यस, तो भाई अपन लोगों ने हरा दिया है निसान GTR को भाई, निसान GTR बहुत ज्यादा स्लो है, हमारे पास होनी चाहिए ये कार तभी तो मजा आएगा भाई, यार गलत बात है, बैट इस कार का ऑप्शन होने चाहिए भाई, गलत बात है यार, हमारे पास निसान GTR होती। और इसके बाद अपन लोग अपनी ऑफिस को अपग्रेड करते हैं जिसमें अपन लोग टोइंग सर्विस को अनलॉक करते हैं, इसका मतलब ये है अब अपन लोग अपनी कार को टो करके यहाँ पे मंगा सकते हैं जो कि बहुत अच्छा है भाई। और इसके बाद फाइनली टाइम था कार मार्केट जाने का। ओके गाइस तो फाइनली अपन लोग कार मार्केट में आ गए हैं, कोई अच्छी कार है दिखा दो कोई अच्छी कार। ओके तो फाइनली अपने सामने है ऑडी R8, अंकल ये क्या कर रहे हो अंकल, ये बेकार कार है अंकल, सच्ची में बेकार कार है, दे दो यार 5 लाख, हाँ 5 लाख दे रहा हूँ मैं, ये लो 4 लाख 20 हजार मान जाओ। ओके गाइस तो फाइनली अपने पास ऑडी R8 है, यस यस फाइनली ऑडी R8 भाई, यार ये कार बहुत ही ज्यादा कमाल है, और इसको अपन लोग 7-8 लाख का तो इजीली सेल कर सकते हैं भाई, बहुत कमाल कार है। और इसके बाद अपन लोग अपनी ऑडी R8 को लेके जाते हैं रिपेयरिंग के लिए, क्योंकि भाई इसको सेल करने से पहले इसको रिपेयर भी कराना है, और रिपेयर होने के बाद अपन लोग अपनी ऑडी R8 को पार्क करते हैं, और भाई इसको पार्क कर रहे हैं अपन लोग ऑफिस के अंदर, इसको बाहर नहीं पार्क करने का भाई, कोई भी उठा के ले जाएगा, ये ऑडी R8 है भाई। और इसके बाद अपन लोग अपनी ऑडी R8 का प्राइस रखते हैं जो कि अपन लोग रखते हैं $1 million। गाइस देखते हैं कोई इसका इतना प्राइस देगा या नहीं, मेरे को थोड़ा सा डाउट है, लेकिन अपन लोगों को 8 लाख तक तो मिल ही जाएंगे इजीली। ओके गाइस तो आज है डे 13 और आज अपन लोगों को सेल करनी है अपनी ऑडी R8, और भाई ऑडी R8 सेल करने के बाद अपने पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, उसके बाद अपन लोग और भी कार परचेस। ओह एक मिनट ये भी कार भी अच्छी लग रही है, हेलो दीदी, ओ ये पोच है, लेकिन ये दूसरी वाली पोच है, ये सस्ती वाली पोच है, लेकिन ये भी एक अच्छी कार है, तो अपन लोग इसको भी परचेस करते हैं। और इसके बाद फाइनली टाइम तो अपनी ऑडी R8 को सेल करने का। हेलो दीदी क्या हाल है, दीदी $1 million इस कार के लिए ठीक है, रहने दो मत खरीदने आया करो इतनी महंगी कार। हेलो अंकल क्या हाल है, ये अंकल सच्ची में बहुत अच्छी कार है, $1 million है इसकी प्राइस है अंकल, 7 लाख अंकल रहने दो अंकल। हेलो दीदी क्या हाल है, दीदी ये बहुत अच्छी कार है, इसके $1 million एक परफेक्ट प्राइस, यार कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है भाई, रहने दो, अगर पैसे नहीं है तो कार खरीदने आते क्यों, घर पे बैठो मस्त।
फ्री में दे दूं मैं। हेलो दीदी, क्या हाल है? ये है ऑडी R8, ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कार है, इसीलिए इसका प्राइस $1 मिलियन है। और दीदी मान जाएंगी, मुझे लगता है अपन लोग थोड़ा सा प्राइस कम करते हैं, $850,000, जो कि मुझे लगता है दीदी मान जाएंगी, मुझे लगता है दीदी मान जाओ प्लीज। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने सेल कर दिया है ऑडी R8 को, जिससे अपने पास ऑलमोस्ट $1 मिलियन हो गए हैं। इसका मतलब अपन लोग 2-3 कमाल की कार को परचेज कर सकते हैं, और भाई ये बहुत ही ज्यादा कमाल है। और इसके बाद टाइम तो ऑक्शन में जाने का। और गाइस, अगर आप लोग सोच रहे हो कि ऑक्शन में पीछे वाला ट्रिक काम करता है या नहीं, नहीं करता भाई, अपडेट में इन्होंने सारा हक दिया भाई, बेकार कर दिया ये गेम पूरा। ओके गाइस, तो ऑक्शन स्टार्ट हो गया है। देखो पहली कार अच्छी नहीं आई, कोई बात नहीं, देखो ये थोड़ा सा वेट करते हैं अभी अभी। देखो पहली कार अच्छी नहीं आती, जो तीसरी कार होती है वो होती है प्रीमियम कार, और भाई उस पर बहुत अच्छी कार मिल सकती है हमें, निसान GTR मिल सकती है या माजदा X7 मिल सकती है। अगर अपन लोगों की किस्मत कुछ ज़्यादा अच्छी होगी तो हम लोगों को डॉज वाइपर भी मिल सकती है। और अपनी पहली कार गई, देखो दूसरी कार, मैंने बोला था दूसरी कार अच्छी नहीं होगी, तीसरी कार अच्छी होगी, तीसरी कार अपन लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा, तीसरी कार ना बेस्ट होगी, अपन लोग थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस, देखते हैं तीसरी कार कौन सी होने वाली है। इसको कोई जल्दी से खरीदो यार, ये क्या ऑडी S4 लेके आ जाते हो, जल्दी खरीदो यार। ओके गाइस, तो ये कार भी चली गई है, और फाइनली अपनी तीसरी कार आ गई है। ठीक है भाई, इन लोगों ने अब चेंज कर दिया, 3 की जगह 4 कर दिया। देखो चौथे नंबर पर बहुत अच्छी कार आने वाली है, थोड़ा सा वेट करते हैं, जो नंबर 4 वाली कार होगी वो बहुत ही ज़्यादा कमाल होने वाली है। और भाई यार, मैंने इतने सारे पैसे बचाए हैं, प्लीज़ कोई अच्छी कार हो ना प्लीज़। ओके गाइस, नंबर 4 नहीं, ये ऑक्शन ही बेकार है, नहीं आने का इस ऑक्शन में भाई, अब टाइम वेस्ट है बेटा, सच्ची में टाइम वेस्ट है भाई, कोई अच्छी कार आती नहीं है इसमें। ओके गाइस, आज है डे 14, और आज अपने पास $8 लाख हैं, और देखते हैं कोई अच्छी कार है या नहीं। ओके भाई, ये कोई अच्छी BMW की कार है, लेकिन अच्छी नहीं है भाई, इसको हटाओ अंकल, नहीं। ओ भाई, तो यहाँ पे पोच है फाइनली अंकल, अंदर अच्छी कार अंदर लेके बैठ जाते हो अंकल, ये बहुत ज्यादा डैमेज है, मैं इतने पैसे नहीं देने वाला इस कार के, 1,15,000 अंकल मान जाओ, ये लास्ट ऑफर है अंकल, मौन जाओ। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने परचेस कर लिया पोच, और ये बहुत अच्छी कार है, अपने कलेक्शन में एक अच्छी पोच होनी चाहिए, लेकिन अपन लोग अपना कलेक्शन नहीं। टोयोटा सुप्रा, वो भी ब्लैक कलर, दीदी कहाँ थी आप? हाँ पता है मेरे को, बिल्कुल चीप नहीं होती ये कार, इसीलिए मैं आपको स्पेशल ऑफर दे रहा हूँ $45,000 का, जल्दी हाँ बोलो जल्दी, लास्ट ऑफर $48,000 मान जाओ। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने एक और कमाल की कार परचेज कर ली है, जो कि अपनी टोयोटा सुप्रा है, लेकिन भाई अपन लोग अभी कलेक्शन नहीं बनाने वाले, क्योंकि अभी अपन लोगों को पैसों की जरूरत है, क्योंकि भाई अपन लोग 5 कार का कलेक्शन बनाएंगे। अगर सोचो हम लोगों को 5 ऑडी R8 परचेज करनी है, तो एटलीस्ट हमारे पास $20 लाख चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा प्राइस होता है, तो अपन लोग अभी इन कार को सेल करेंगे, उसके बाद कलेक्शन बनाएंगे भाई। गाइस ये देखो अपने ऑफिस का हाल, मैंने इतनी सारी कार परचेस कर ली भाई, जितने पैसे थे मैं परचेस करता रहा, क्योंकि अपन लोगों को एक्सपीरियंस भी मिल रहा था भाई, कितने सारे लोग आ गए, इतनी सारी भीड़। दीदी कहाँ खड़ी हो? मतलब कार पसंद आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिस में कहीं भी चढ़ जाओगी, पता नहीं क्या कैसे लोग हैं यार, क्या कर रहे हो यार? भाई यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, पूरी ऑफिस की बैंड बजा दी है। हेलो दीदी क्या हाल है? अरे जाने का नहीं, ये बताओ ये कार पसंद आई या नहीं, लेके जाओ, ये कार अच्छी है। ओके ले जाओ। तो गाइस चलो जल्दी से इन कार को सेल करते हैं, और उसके बाद देखते हैं अपना टोटल प्रॉफिट कितने का होगा। हाँ अंकल बोलो, परचेस करते हो या नहीं? भाई यार डायरेक्ट अंकल परचेस कर रहे हैं। हेलो अंकल क्या हाल है? ये ऑडी S4 है, ये बहुत अच्छी कार है। 17 आपके बस की नहीं अंकल, देख के समझ गया था मैं। और गाइस अपने पास इतनी सारी कार आ गई हैं, तो इनको रखने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए, तो फाइनली टाइम है अपने ऑफिस को अपग्रेड करने का। भाई $5 लाख में ये अपग्रेड हो रही है, तो अपन लोग अपग्रेड करने वाले हैं। और भाई अब अपने पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, लेकिन भाई अपने पास पोज है, और अपने पास टोयोटा सुप्रा है, जिनको परचेस करके अपने पास पैसे आ जाएंगे। और इसके बाद अपन लोग अपना ऑफिस अपग्रेड करते हैं, और ये वाला अपना ऑफिस बहुत ही ज्यादा छोटा था, इसमें 2-3 ही कार आ पाती थी, इसीलिए अपन लोग जो अपना नेक्स्ट ऑफिस बनाने वाले हैं वो काफी बड़ा बनाने वाले, और उसमें कम से कम 8-10 कार तो आ जाए एक बार में, इतना बड़ा बना रहे हैं, और जो दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। ये तो भाई बहुत ज्यादा छोटा था, और दिखने में भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। ओके गाइस, तो फाइनली अपना शोरूम तैयार है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई, ये कितना ज्यादा बड़ा है, पहले कितना छोटा शोरूम था, और भाई इसमें कितनी सारी कार एक बार में आ जाती है भाई। और भाई इसमें मैंने अपनी पोच रखी है सामने, क्योंकि अपने पास जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कार वो यही है, इसके साथ साथ अपने पास और भी कार है, अपने पास मस्टैंग
है, टोयोटा सुप्रा है और इसके साथ साथ अपनी फोर्ड क्लासिक भी है। और भाई इसके साथ साथ हम लोगों ने लिफ्ट भी रखी है जिसकी मदद से आप लोग अपने सेकेंड फ्लोर पर जाएंगे और इन कार को भी लेके जाएंगे। और भाई अपनी सुप्रा अच्छी है, ब्लैक कलर में अच्छी लगती है। यहाँ पर मेरे को बहुत सारी कार रखनी है और उनको सेल करेंगे और अपना बहुत तगड़ा प्रॉफिट होगा। और अपने जो अपनी कार का कलेक्शन है वो भी मेरे को बनाना है। अपन लोग सारी कार का कलेक्शन बनाएंगे और उनको सेल करेंगे भाई, एक साथ 5 लैम्बो सेल करेंगे तो भाई अपना कितना प्रॉफिट होगा वो मेरे को देखना है। एक साथ 5 ऑडी R8 को सेल करेंगे तो अपना कितना प्रॉफिट होगा भाई, 4-5 मिलियन डॉलर तो ऐसे ही आ जाएंगे, मतलब 2-3 मिलियन तो इजीली आ ही जाएंगे। ओके गाइस, तो आज है डे 19 और भाई आज कार मार्केट ओपन है। कार मार्केट जाने से पहले अपन लोग ऑफिस जाते हैं और भाई जितनी भी कार है उनको सेल पे लगाते हैं, क्योंकि भाई पैसे नहीं है, पैसे भी तो आने चाहिए भाई, $3,000 है सिर्फ। तो भाई पैसे के लिए अपन लोग इन कार को सेल करने वाले हैं, उसके बाद अपन लोग कार मार्केट जाएंगे। हेलो दादी, क्या हाल है? ये है टोयोटा सुप्रा और ये बहुत ही ज्यादा कमाल है दादी। इसका साउंड इतना अच्छा है, इतने कम पैसे मत दो दादी, ये बहुत अच्छी कार है, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। आपके लिए स्पेशल ऑफर है $80,000, मान जाओ मान जाओ। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने अपनी टोयोटा सुप्रा भी सेल कर दिए और डे 19 में अपनी पोस्ट सेल नहीं होती, बाकी की कार अपन लोग सेल कर देते हैं। ओके गाइस, तो आज है डे 20 और आज अपन लोगों को ऑक्शन में जाना है, लेकिन सबसे पहले अपन लोगों को अपनी पोस्ट सेल करनी है, उसके बाद पैसे आएंगे, उसके बाद चलेंगे अपन लोग ऑक्शन में। बस कोई पोच खरीद ले यार, पोच के कोई अच्छे पैसे दे ही नहीं रहा। हेलो दीदी, क्या हाल है? ये है पोच और ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कार है दीदी, ले जाओ यार, कोई ले ही नहीं रहा। ओके, थोड़े से आपके लिए पैसे कम कर देते हैं, लेकिन ले जाओ इसे 2.5 लाख में ले जाओ, ये बहुत अच्छी कार है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। हाँ 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 यार भाई, कोई खरीद लो भाई, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, एक दिन हम लोगों को हो गया है, कोई खरीद के ले ही नहीं जा रहा। दीदी ले जाओ 2,40,000। क्या इतने पैसे भाई? और 2,35,000, मान जाओ। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने पोस्ट सेल कर दिया और भाई सच्चे में अभी पता कोई अच्छा कस्टमर आ ही नहीं रहा भाई, पोस्ट क्यों मैंने इतने सस्ते में सेल करना पड़ा है। और इसके बाद अपन लोग ऑक्शन का वेट करते हैं और ऑक्शन का टाइम होने के बाद हम लोग ऑक्शन में जाते हैं और भाई पूरा ऑक्शन में बैठने के बाद हम लोगों को मिलती है ऑडी Q7। भाई कोई तो अच्छी कार दे दो, आज का दिन भी वेस्ट हो गया भाई। ओके गाइस, तो आज है डे 21 और आज कार मार्केट ओपन है, तो भाई आज चलते हैं कार मार्केट और लेके आते हैं कुछ खतरनाक कार भाई, तभी तो अपना बहुत तगड़ा प्रॉफिट होगा भाई। और कार मार्केट जाने से पहले अपन लोग चलते हैं ड्रैग रेस के लिए और भाई अभी तक अपन लोग रेड बार नहीं गए, एक काम करते हैं रेड बार चलते हैं और भाई इसमें कुछ अच्छा मिल सकता है, जाके देखते हैं भाई। मैंने अभी जाके देखा ही नहीं है यहाँ पे क्या क्या है भाई, यहाँ पे क्या दारू वगैरह मिलती है। हेलो अंकल, क्या हाल है यहाँ? क्या ओ अंकल, यहाँ पे ब्लैक मार्केट चला रहे हैं अंकल, ये क्या स्क्रू ड्राइवर? थैंक यू। सेल पार्ट, ओ पार्ट्स को सेल कर सकते हैं, मेरे पास इतने सारे पार्ट्स हैं, मेरे को तो पता ही नहीं था, थैंक यू अंकल। ये क्या कमिंग सून? अंकल आप कमिंग सून हो बता रहे, लेकिन अंदर भी बहुत ज्यादा जगह है और ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं ताश खेले, आ रही है ताश खेल रहे हो। ओके गाइस, तो अपन लोग भी ट्राई करते हैं, देखते हैं अपना लक कैसा काम करता है, कैसे खेलते हैं इसको, मेरे को तो आता ही नहीं है। हिट स्टैंड डबल, इसका क्या होता है? हिट किया है मैंने और अब क्या होगा? स्टैंड, अरे हो क्या रहा है? लॉस्ट भाई, हुआ क्या, मैं हार कैसे गया? एक बार ट्राई करते हैं, $100 देखते हैं भाई। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि हार कैसे गया मैं। वो मेरे पास A है तो अपन लोगों के पास इक्का है तो अपन लोग जीत सकते हैं क्या? ये क्या हुआ? एक ओवर ट्राई करते हैं गाइस, एक ओवर ट्राई करते हैं, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक ट्राई करेंगे, अपने पास कहेंगे अपन लोग जीत सकते हैं। मेरे को स्टैंड डबल कहता हूँ मैं, उसके बाद स्टैंड करेंगे। क्या फिर से हार गए भाई? किंग की उनसे छोटा होता है, मेरे को नहीं पता था ये बात। अरे यार ये लोग वैसे उल्लू बना रहे हैं, मुझे पता है, मेरे को पता है, ये सब मिलके हम लोगों को उल्लू बना रहे हैं, मेरे को पहले से ही पता था, मेरे को पहले से शक है। हाँ ब्लैक मार्केट में लोगों को बनाया जाता है भाई, ऐसे लोगों से दूर रहने का $100 करके ये पूरा जेब खाली कर देंगे। और ड्रैग रेस में जाके पता चलता है कि आज ड्रैग रेस के लिए कोई भी अच्छी कार है नहीं, अभी अपने पास अच्छी कार है तो भाई ड्रैग रेस के लिए कोई अच्छी कार मिल ही नहीं रही, देख लो भाई। और इसके बाद अपन लोग अपनी मस्टैंग में फ्यूल भी भराते हैं क्योंकि इसका फ्यूल भी खत्म हो गया था, और तभी मेरे को ये वॉशिंग वाले भैया दिखते हैं, ये कार वॉश करते हैं, देखते हैं अपनी मस्टैंग को कैसे वॉश करेंगे। ओके अंकल, मैंने अपनी मस्टैंग पार्क कर दी, अच्छे से साफ करना, $50 ले रहे हो तो अच्छे से साफ करना भाई। ओ दिखने में अच्छा तो लग रहा है भाई, जाग तो आ रहा है, ठीक है कुछ हो ना रहा हो पता नहीं, लेकिन जाग तो आ रहा है, इसका मतलब अपनी गाड़ी साफ हो रही है। आई हैव नो आइडिया भाई, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है, होपफुली अपनी गाड़ी साफ ही हो रही हो भाई, गंदी तो नहीं हो रही होगी, देखते हैं भाई ये जब अपनी कार वॉश हो जाएगी उसके बाद ये क्या चमकती है या नहीं, वो देखना है मेरे को। ओके गाइस, तो फाइनली अपनी मस्टैंग वॉश हो गई है, अभी इसको ट्राई करके देखते हैं भाई, थोड़ा सा शाइन तो लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कि हाँ साफ हो गई है, देखते हैं बाहर जाके धूप में जाके देखते हैं कैसी लग रही है।
सेम ही लग रही है यार, मेरे को तो डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या ये सच्ची में साफ हुई है या फिर सेम है या हमें स्कैम कर लिया गया है। ओके गाइस, तो फाइनली आ गए हैं अपन लोग कार मार्केट, देखते हैं कोई अच्छी कार यहाँ है या नहीं। कार मार्केट में कोई अच्छी कार मिलती नहीं आजकल, क्या हो गया दादी। एक मिनट, ये कार मैं जानता हूँ। हेलो दीदी, ये बेकार है, देखो डैमेज देखो, इसका डाइट देखो, ये बेकार है, इतने रुपए में नहीं जाती, 3,20,000 दे रहा हूँ दीदी, मान जाओ दीदी। ओके गाइस, तो फाइनली दीदी मान गए और अपने पास है लैम्बोर्गिनी। और भाई हम लोगों ने कितने सस्ते में ले लिए भाई, क्या ये मस्त है। पहले इसको साफ कर लेते हैं, बहुत ज्यादा गंदी हो गई है भाई। ओके भाई, कितनी ज्यादा कमाल लग रही है, थोड़ी डैमेज है, इसको आप लोग रिपेयर करा देंगे, उसके बाद ये बहुत ज्यादा कमाल होगी और अपना बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा भाई। सच्ची में लैम्बोर्गिनी बहुत ही ज्यादा कमाल है भाई। और कोई अच्छी कार है या नहीं यहाँ पे। ऑडी R8, दादी क्या कर रही हो यार। ओ भाई, एक ही दिन हम लोगों को दो स्पोर्ट्स कार मिल गई गाइस, लेकिन अपने पास पैसे नहीं है इसके लिए, कहीं से तो पैसे लेके आने भाई, ये कार मेरे को चाहिए, कहीं से पैसे लेके आने भाई। ओके गाइस, तो फाइनली टाइम है अपनी लैम्बो सेल करने का, क्योंकि भाई अपने को ऑडी R8 मिल सकती है। इसका प्राइस हम लोगों ने रखा है 8,50,000, देखते हैं कोई इसके इतने पैसे देगा या नहीं भाई। कोई तो आ जाओ ले जाओ भाई, मेरे को ऑडी R8 चाहिए भाई, मजा आ जाएगा। अगर वो मिल गई तो भाई अपन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। और भाई पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया भाई, अपनी किस्मत है भाई यार, ऑडी R8 चली गई यार, क्या ही गंदी किस्मत है भाई, मेरे को समझ नहीं आता भाई। एक कस्टमर नहीं आया, अपने पास दो तीन घंटे में एक कस्टमर नहीं आया, 3 घंटे थे भाई यार, मूड खराब हो गया भाई। ओके गाइस, तो आज है डे 22 और देखते हैं आज अपनी लैम्बो सेल होती है या नहीं। ओके दीदी, कितने प्राइस दे रही हो। अरे यार थोड़े ज़्यादा दे दो यार, इतने कम क्यों दे रहे हो, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। देखो ये लास्ट प्राइस है 5,80,000, मान जाओ प्लीज़, मान जाओ। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने लैम्बो को सेल कर दिया। और भाई ये बहुत ज़्यादा सस्ती जाती है, मुझे लगा था ऑडी R8 की जैसे ही जाती होगी, मतलब 8 लाख के आसपास जाती होगी, बट ऐसा नहीं है भाई, ये बहुत ज़्यादा सस्ती जाती है, 6-7 लाख के आसपास ही रहती है भाई। आज अपन लोगों को बिल पे करना था जो कि 18,000 का है, क्योंकि अपने पास कोई कार है नहीं, तो बिल ज़्यादा आया ही नहीं है भाई। ओके गाइस, तो आज है डे 23 और आज कार मार्केट ओपन है, तो चलो चलते हैं लेके आते हैं कुछ कमाल कार। ओके गाइस, तो फाइनली आ गए हैं अपन लोग कार मार्केट में, और कोई अच्छी कार है यानी पोर्श है भाई, फाइनली एक अच्छी कार अपन लोगों को दिख गई है, लेकिन और कोई अच्छी कार नहीं है भाई। कितनी ज्यादा गलत बात है, कल अपने पास पैसे नहीं थे। ओ भाई ये कार क्या ही दांसू लग रही है। हेलो दीदी कैसे हो आप, ये कार आपकी अच्छी टेस्ला है भाई, मेरे को नहीं पता था टेस्ला को दीदी ने एक स्पोर्ट्स कार बना दिया, और ये दिखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। इसको अपन लोग लेने वाले हैं 32,000, बहुत अच्छा प्राइस है। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने टेस्ला M3 परचेज कर ली है, और भाई ये दिखने में क्या ही कमाल लग रही है। चलो अब अपन लोग अपनी पोर्श भी परचेज कर लेते हैं, और आज तो और कोई कमाल कार मेरे को नजर नहीं आ रही। ओके दीदी आपके लिए स्पेशल ऑफर है, मान जाओ 1,27,000। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने पोर्श को परचेज कर लिया है, और भाई इसको अपन लोग आराम से $2,50,000 तो इजिली सेल कर सकते हैं, यानी अपन लोगों का 1-1.5 लाख का प्रॉफिट होगा। ये कार भी अच्छी लग रही है, BMW M3, ये भी अच्छे प्राइस में जाती है भाई, ये 60-70 हज़ार के आसपास चली जाती है, तो ये कार भी काफी ज्यादा अच्छी है। हेलो दादी क्या हाल है, ये है अपने टेस्ला M3, लेकिन ये नॉर्मल M3 नहीं है दादी, इतने कम पैसे क्यों दे रही हो, ये स्पोर्ट्स वाली है, देखो पीछे इसके स्पॉइलर लगा हुआ है 55। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने अपनी टेस्ला M3 को सेल कर दिया है। हेलो अंकल क्या हाल है, ये है अपनी पोर्श और ये वन ऑफ द रेयरेस्ट कार है अंकल, आपको तो पता ही है अंकल, बताओ। ओके अंकल के साथ थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है अपन लोग इसको देते हैं 2,40,000 की, तो अंकल मान जाएंगे। ओके गाइस, तो फाइनली अंकल ने परचेज कर ली है पोर्श, और भाई ये है BMW M3, देखते हैं अंकल कितने में देंगे अंकल, अंकल बहुत अच्छी है। ओके थोड़ी सी मेरे को बार्गेनिंग करनी पड़ेगी अंकल, आपके लिए स्पेशल है अंकल 57,000, अंकल मान जाओ अंकल जल्दी। ओके गाइस, तो हम लोगों ने ये कार भी सेल कर दी है, और अपने पास अभी $6,50,000 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल है। और गाइज ये डे 24 है, और भाई आज ऑक्शन भी है, तो ऑक्शन का वेट करते हैं, और इसके बाद हम लोग ऑक्शन में जाते हैं, और ऑक्शन में कोई भी अच्छी कार नहीं आती है भाई, मजा आ गया यार, ऑक्शन तो रहने ही दो। ओके गाइज, तो आज है डे 25 और आज भी ऑक्शन है, तो भाई चलो चलते हैं ऑक्शन में, देखते हैं कोई अच्छी कार अपन लोगों को मिलती है या नहीं। हेलो अंकल जल्दी टिकट दो अंकल, मैं पैसे लेट हो गया हूँ अंकल, जा रहे दो यार। ओके भाई, ओ पहली कार कोई अच्छी कार नहीं है, तो इसको तो जाने देते हैं, और देखते हैं कोई और अच्छी कार अपन लोगों को मिलेगी या नहीं। ओके गाइज, तो दूसरी कार आ गई है, और दूसरी कार भी इतनी अच्छी नहीं है,
थोड़ा सा वेट करते हैं, तीसरी कार अच्छी होती है, तीसरी कार सच्चे में अच्छी होती है। ओके गाइस, तो फाइनली तीसरी कार आने वाली है। ओके, मैंने कहा था तीसरी कार अच्छी होती है। देखो अबद बहुत अच्छी कार है, ठीक है, इसका मतलब आज अपन लोगों को एक स्पोर्ट्स कार नहीं देखने मिलेगी। मैं सोच रहा था यार माजदा X7 तो दे ही देते यार, लेकिन अपनी किस्मत ऐसी है कि हम लोगों को अबद या पोर्श ही मिल रही है। भाई सच्ची बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऑक्शन में हमें कोई भी अच्छी कार नहीं मिल रही भाई। ये गेम सच्चे में बेकार हो गया भाई, पहले ऑक्शन में इतनी अच्छी अच्छी कार मिलती थी, अब ये कार मिलती है भाई। और इसके बाद आता है Day 26, और Day 26 को होता है कार मार्केट। तो हम लोग कार मार्केट जाते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई स्पोर्ट्स कार नहीं मिलती, फिर भी हम लोग कुछ कार परचेज करते हैं क्योंकि अपने को अबद मिलती है जो कि बहुत अच्छी कार है। इसके साथ साथ हम लोगों को फॉरवर्ड का फैंटम मिलता है और ये बहुत अच्छा ट्रक है भाई, तो हम लोग इसको भी परचेज करते हैं। हेलो अंकल, क्या हाल है? ये है अबद, और अंकल ये बहुत अच्छी कार है। अंकल 3 लाख मान जाओ, अंकल 3 लाख की गाड़ी है यार, अंकल कम से कम इतने पैसे तो दो। और अंकल मानने के लिए तैयार नहीं है, 2,90,000 लास्ट है अंकल, मान जाओ। ओके गाइस, तो हम लोगों ने अपनी पहली अवध को सेल कर दिया, अभी अपने पास एक और अवध है, देखते हैं ये अंकल इसको खरीदते हैं या नहीं। अंकल लास्ट प्राइस है $2,80,000, मान जाओ, रहने दो अंकल, रहने दो, आपके लिए है ही नहीं। और भाई अभी ना ऑक्शन का टाइम भी हो गया है, तो चलो चलते हैं ऑक्शन में, आज है Day 27, देखते हैं ऑक्शन पे कोई अच्छी कार आई है या नहीं। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोग ऑक्शन में आ गए। अंकल जल्दी से टिकट दो, अंकल जल्दी जल्दी डायरेक्ट टिकट दिया करो यार, ऑक्शन स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे अभी तक तो मेरे को कोई अच्छी कार नज़र नहीं आ रही, थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं अपने को कोई अच्छी कार ही मिलती है। यार ये यार ठीक है, नंबर 4 सच्ची में अच्छी होती है, नंबर 4 सच्ची में अच्छी होती है, वेट करते हैं उसके लिए। ओके नंबर 4, अरे भाई यार रहने दो, ये ऑक्शन मत कराया करो, कोई अच्छी कार नहीं देनी तो रहने दो। ओके गाइस, तो आज है Day 28 और आज अपन लोगों ने अपनी सारी कार सेल कर दी है और आज अपने पास ऑलमोस्ट $9,00,000 है। इसका मतलब अपन लोग 2-3 कार अच्छी वाली परचेज कर सकते हैं। आप लोग आ गए कार मार्केट, चलते हैं देखते हैं कोई अच्छी कार है या नहीं। ओ फाइनली मेरे को एक अच्छी कार नजर आ रही है, ऑडी R8, एक नहीं दो भाई, नहीं ये कैसे पॉसिबल है, ओ माय गॉड, अपनी लक अपना लक भाई। दीदी मेरे को चाहिए दीदी, कितना प्राइस? ओके इतने प्राइस में कहीं नहीं मिलती, मैंने बहुत खरीदी है ऑडी R8, ठीक है, 4,20,000 इसका फिक्स्ड प्राइस है, मान जाओ, देखो देखो सच्ची। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों को अपनी पहली ऑडी R8 मिल गई है, अभी टाइम है अपनी दूसरी ऑडी R8 लेने का। हेलो अंकल, क्या हाल है? अंकल यू आर वेरी हैंडसम, लेकिन कार इतनी महंगी नहीं है अंकल, ये सच्चे में बहुत ज़्यादा महंगी दे रहे हो, 4,30,000 अंकल मान जाओ, ये बहुत अच्छा प्राइस है। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों को अपनी दूसरी कार भी मिल गई है। वैसे अंकल हमारे साथ स्कैम कर रहे थे भाई, 5 लाख से ज्यादा बोल रहे थे भाई इस कार का। हेलो अंकल, क्या हाल है? ये है ऑडी R8 और ये बहुत अच्छी कार है, आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, 8,20,000 अंकल मान जाइए, बहुत अच्छी कार है। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने अपनी एक ऑडी R8 सेल कर दी है, अभी टाइम है अपनी दूसरी ऑडी R8 को सेल करने का, देखते हैं ये दीदी इसको परचेस नहीं कर पाएंगी, 6 लाख में नहीं आती ये कार। और आज है Day 29 और आज अपन लोगों को बिल पे करने हैं, तो चलो जल्दी से फटाक से बिल करते हैं पे। और भाई ये $76,000 का बिल आया है जो कि मुझे लगता है सही है, अपने पास ऑडी R8 है तो इतना बिल तो आना चाहिए। ओके गाइस, तो आज है Day 30 और अपने पास ऑलमोस्ट $9,00,000 है, देखते हैं कोई अच्छी कार आई है या नहीं कार मार्केट में। भाई क्या लग चल रहा है, ओ माय गॉड, ओ भाई यार, हाँ दे भाई मैंने हैक कर दिया ये गेम, मैंने हैक कर लिया, सच्ची बता रहा हूँ भाई, लगातार 2 ऑडी R8, लगातार 2 लैम्बोर्गिनी भाई हैक कर लिया भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा सच्ची में। हाँ अंकल ले जाओ अंकल, हाँ थैंक यू अंकल, दे दो, हाँ भाई फाइनली मजा आ गया, दूसरी अंकल जल्दी अंकल दे दो मेरे को अपनी लैम्बो चाहिए अंकल, जल्दी कितना बोलो कितना चाहिए आपको, थोड़ा सा कम करो अंकल, 3,40,000 अंकल जल्दी दो मेरे को ये कार, जल्दी दो अंकल। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने 2 लैम्बो भी परचेस कर लिए भाई, क्या इंसेंट लग चल रहा है भाई, पहले एक भी नहीं मिल रही थी, अब अपने को 2 कार मिल रही है भाई, ओ माय गॉड भाई मजा आ गया, आज का दिन अपना Day 30 तो बहुत ही कमाल स्टार्ट हुआ है भाई। और इसके बाद अपन लोग अपनी लैम्बो को रिपेयर कराते हैं और भाई इनका रिपेयरिंग का खर्चा भाई $20,000 तो ऐसे ही ले लेते हैं भाई, थोड़ी सी टूटती नहीं है $20,000 ले लेते हैं। और इसके बाद अपना Day 31 स्टार्ट होता है और भाई अपने पास लैम्बो भी है, अपने पास ऑडी R8 भी है, तो टाइम है इनको ट्यून कराने का और इनको कलर कराने का। तो सबसे पहले अपन लोग अपनी ऑडी R8 को ट्यून कराते हैं, उसके बाद टाइम था अपनी ऑडी R8 को कलर कराने का, तो हम लोग इसको कलर कराते हैं
रॉयल ब्लू जो कि इस पर बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। वो अलग बात है इसके पैसे बहुत ज्यादा थे, लेकिन भाई ऑडी R8 तो इतना तो बनता है। ओके गाइस, तो फाइनली अपनी ऑडी R8 तैयार है और भाई ये देख रहे भाई क्या ही कमाल लग रही है भाई, कितनी ज्यादा प्यारी लगती है यार ये, सच्ची में बहुत ही ज्यादा कमाल लग रही है। इस पे ये कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो अभी टाइम है इसको रखने का और लैम्बो को निकालने का, और इसके बाद अपन लोग अपनी लैम्बो को भी ट्यून कराते हैं। हम लोग उसमें रेस किट लगवाते हैं, उसके व्हील चेंज कराते हैं और इसके बाद उसको बहुत ही प्यारा कलर देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गोल्ड कलर का। ओके गाइस, तो ये है अपनी लैम्बोर्गिनी जो दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल लग रही है। ये कलर ना इसी कार पे बहुत ज्यादा प्यारा लगता है भाई, कितनी ज्यादा रेयर और कितनी ज्यादा कमाल लग रही है। और भाई इसमें अपन लोगों ने रेस किट लगा दी है, इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ेगी भाई। और इसका ना अपन लोग रेस कराने वाले हैं अपनी ऑडी R8 के साथ, अभी नहीं अपन लोग एंड में कराएंगे। और इसके बाद ऑक्शन स्टार्ट होता है और उसमें हम लोगों को मिलती है माज़दा X7 5। मेरे को लगा ही नहीं था इसमें मिलेगी भाई यार, कैसे मिल सकती है भाई यार, अपने पास पैसे नहीं, अपने पास 1 लाख है और ये 4 लाख ही मिल रही है भाई, मतलब 5 लाख तक जाएगी भाई। अपनी किस्मत देखो भाई, अभी अपने पास पैसे नहीं है तो अभी इसमें माज़दा X7 मिली है यार, कैसा हो सकता है भाई, भगवान ऐसा क्यों करते हो हमारे साथ भाई यार। 5 लाख, 5.5 लाख की गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस है यार। अभी किस्मत यार, अपने पास अपने ऑडी है, लैम्बो है, इसीलिए अपने सारे पैसे खर्च हो गए थे भाई। मेरे को लगा ही नहीं था कोई अच्छी कार आएगी ऑक्शन में, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन भाई ये आ गई, ये बहुत ही ज़्यादा रही जाती है। और अपनी किस्मत अपनी ख़राब है भाई, क्या ही कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये है डे 32 और भाई आज भी ऑक्शन है, तो आज अपन लोगों को कोई अच्छी कार मिल सकती है। तो सबसे पहले अपन लोगों के पास जो कार है वो अपन लोग सेल करने वाले हैं। अपने पास 2 लैम्बो और अपने पास 1 ऑडी R8 है, उनको अपन लोग सेल करेंगे जिससे अपने पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। और उसके बाद हो सकता है अपन लोगों की भाई यार किस्मत ही खराब है भाई, और माज़दा X7 उस दिन मिली है जिस टाइम अपने पास पैसे नहीं थे, इसका मतलब समझ सकते हो अपनी किस्मत कितनी ज़्यादा खराब है। और इसके बाद अपन लोग अपनी दूसरी लैम्बो को भी ट्यून कराते हैं, उसको भी कलर कराते हैं और इसको अपन लोग देते हैं सियान कलर जो कि इस पर बहुत ही ज्यादा कमाल लगता है। हेलो दादी, क्या हाल है, ये है गोल्डन लैम्बो दादी, ये बहुत ही ज्यादा रेयर होती है इसीलिए ये $8 लाख की है। ओके भाई, दादी को अपन लोग सेल कर सकते हैं, थोड़ा देते हैं भाई 7,50,000 दादी, ये लास्ट है दादी, ये गोल्डन लैम्बो ये आसानी से नहीं मिलती दादी, मान जाओ प्लीज। ओके ओ गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने सेल कर दी अपनी गोल्डन लैम्बो भाई, और भाई क्या ही कमाल है भाई, भाई लैम्बो कितनी ज्यादा महंगी गई है, मजा आ गया भाई, अच्छा है भाई लैम्बो की प्राइस यही है भाई। और इसके बाद अपन लोग जाते हैं ड्रैग रेस के लिए। ओके गाइस, तो फाइनली आ गए अपन लोग ड्रैग रेस के लिए, देखते हैं कोई अच्छी कार है भाई, ये अपनी GTR है भाई, मेरे को लग रहा है ये GTR है, ओ भाई ये GTR है, अंकल 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 प्लीज बैठ इस कार, ऑडी R8 है यार, इसके साथ तो बैठ इस कार कर लो भाई, ये गेम की सबसे रेयर कार में से एक है, इसके साथ तो कर लो बैठ इस कार भाई यार, ऐसे तो कभी नहीं मिलेगी हमें यार, कर लो ना अंकल, मेरे को समझ नहीं आ रहा अंकल, प्लीज बैठ इस कार अंकल, मान जाओ प्लीज बैठ इस कार अंकल, करो ना अंकल, मेरे को ये कार चाहिए अंकल, मान जाओ अंकल, अंकल दे दो ना, दे दो भाई अंकल, अंकल मान जाओ, दे दो यार प्लीज, निशान GTR दे दो अंकल, क्या जाता है यार, बैठ इस कार। और फिर भी अंकल नहीं मानते तो हम लोग इनके साथ एक नॉर्मल ड्रैग रेस करते हैं। वैसे मुझे ये ड्रैग रेस नहीं करनी थी, मेरे को बैठ इस कार चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरे को अब इस GTR को हराना है और दिखाना है हमारी ऑडी R8 कितनी ज्यादा कमाल है, दिखाता हूँ अंकल अभी मैं। ओके गाइस, तो रेस स्टार्ट होने वाली है। ओके रेस स्टार्ट, भाई अपनी ऑडी R8 बहुत अच्छी है भाई, पीछे है भाई GTR पीछे है। ओके अपनी ऑडी R8 बहुत ज्यादा कमाल है, बहुत ज्यादा पीछे है वो भाई, टर्बो भी यूज करने की जरूरत नहीं है और हम तो जीत गए हैं निशान GTR से भाई, बैठ इस कार होनी चाहिए थी भाई, कुछ भी बोलो अपनी ऑडी R8 कमाल है। और इसके बाद आता है डे 33 और भाई आज के दिन हम लोगों को कार मार्केट में मिलती है एक और लैम्बो, तो हम लोग इसको परचेज कर लेते हैं। अभी अपने पास 2 लैम्बो हैं, 1 ऑडी R8 है और भाई इनका यूज करके हम लोग बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग इस लैम्बो को ट्राई करते हैं और इसके बाद पता चलता है इस लैम्बो में लगी है ड्रिफ्ट किट जिसकी मदद से ये बहुत अच्छा ड्रिफ्ट करती है, तो भाई टाइम है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का, देखते हैं क्या ये लैम्बो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती है या नहीं, क्योंकि भाई ये ड्रिफ्ट तो
बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रही है। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोग एक अच्छी जगह पे आ गए हैं और मैंने ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अपन लोगों को बनाना है वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखते हैं अपन लोग कितनी देर तक ड्रिफ्ट कर सकते हैं। और भाई मैं ना बहुत दूर आ गया हूँ रोड से, क्योंकि बहुत ज्यादा कार आ रही थी, टक्कर वक्कर हो रही थी, तो अपन लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अभी ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी है, पेड़ भी नहीं है आसपास और रोड भी काफी दूर है, तो अपन लोग एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। देखते हैं अपने ये लैम्बो कितनी देर तक ड्रिफ्ट करेगी, क्या हम लोग एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं या नहीं। ओके गाइस, तो फाइनली अपना 100 सेकंड भी कंप्लीट हो गया है और भाई ये बहुत ही ज्यादा कमाल है, अपना न्यू रिकॉर्ड भी बन गया है। अभी अपनी लैम्बो अच्छा काम कर रही है भाई, मेरे को लग रहा है अपन लोग अच्छे से भाई चलती जाएगी, तो नॉन स्टॉप रुकी नहीं रही भाई, इतनी ज्यादा कमाल है। इसका जो ड्रिफ्ट किट है वो बहुत ही ज्यादा कमाल है भाई, मेरे को लग रहा है हम लोग 4-5 मिनट तो आराम से कर सकते हैं। अभी 2 मिनट भी कंप्लीट हो गया, 120 सेकंड भी कंप्लीट हो गया है, तो फाइनली हम लोगों ने 2 मिनट का ड्रिफ्ट, 1 मिनट क्या हुआ, ये क्या हुआ, नहीं फ्यूल खत्म हो गया भाई, भाई अच्छा वाला ड्रिफ्ट कर रहे थे, इस कार का फ्यूल खत्म हो गया भाई, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। डे 34 में होता है ऑक्शन और ऑक्शन में हम लोग को मिलती है पोच, और भाई फाइनली अब अच्छी कार मिल रही है ऑक्शन में, अदरवाइज कोई अच्छी कार मिलती नहीं है। और फाइनली अपने कलेक्शन में एक पोच भी ऐड हो गई है। अभी अपने पास 2 लैम्बो है, 1 ऑडी R8 है और 1 पोच भी है भाई। दीदी ये लैम्बो है, इससे कम नहीं दूंगा मैं, 6,70,000 ले जाओ ले जाओ। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने अपनी लैम्बो को भी सेल कर दिया है और अपने पास अभी 1 लैम्बो है, 1 ऑडी R8 है और 1 पोच है, और अभी टाइम है इनको भी सेल करने का। ओके गाइस, तो आज है डे 35 और आज कार मार्केट ओपन है, तो चलो चलते हैं कार मार्केट, देखते हैं कोई अच्छी कार है या नहीं। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोग कार मार्केट में आ गए हैं और कोई भी अच्छी कार नजर नहीं आ रही भाई, अपने साथ ऐसा क्यों होता है, कोई भी अच्छी कार क्यों नहीं है, 1-2 लैम्बो दे दो भाई, 2-3 हमें ऑडी दे दो, क्या जा रहा है भाई, कोई अच्छी कार है ही नहीं यहाँ पे। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट डे होता है डे 36 और आज के दिन हम लोगों को बिल पे करना होता है, तो हम लोग फटाक से जाके बिल पे कर देते हैं, जो कि हमारा ऑलमोस्ट 90,000 था, जो कि ज्यादा नहीं है भाई, अपने पास बहुत सारी कार है तो इनका पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। ओके गाइस, तो आज है डे 37 और आज कार मार्केट ओपन है, तो हम लोग कार मार्केट आ गए हैं और भाई आज भी कोई अच्छी कार नहीं है, पता नहीं क्या हो गया भाई, कोई अच्छी कार देने के लिए तैयार ही नहीं है यार, ये कार मार्केट रखते ही क्यों जब अच्छी कार नहीं है आपके पास। तो और इसके बाद डे 38 को ऑक्शन होता है और भाई मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि ऑक्शन में हम लोगों को एक सुपर कार मिलेगी, लेकिन मेरी उम्मीदों पर पानी फेंक जाता है, क्योंकि आज के दिन भी हमें कोई भी सुपर कार नहीं मिलती भाई, यार ये सुपर कार देते ही नहीं है, नहीं कार मार्केट में आती है, नहीं ऑक्शन में आती है, आती है तो ड्रैग रेस में आती है, जिसमें हम लोग बैठ इस कार कर ही नहीं सकते, तो हम लोग कैसे करेंगे भाई। और डे 39 को फिर से ऑक्शन होता है और भाई मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद थी इस ऑक्शन पे, और होता भी हमारे साथ वही है, हमें कोई पकान नहीं मिलती भाई, सच्ची बोल रहा हूँ, अपडेट के बाद ये गेम बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। ओके गाइस, तो आज है डे 40, कार मार्केट ओपन है, तो हम लोग आ गए कार मार्केट पे, कोई अच्छी भाई यार किस्मत भाई, कैसे 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 भाई, एक साथ एक रही दो रही तीन तीन सुपरकार, वैसे एक भी सुपरकार नहीं देते हैं, और देते हैं तो एक साथ तीन तीन भाई, मजा आ गया। और अपने पास पैसे भी हैं तो अपन लोग ये सुपरकार परचेस कर सकते हैं। अंकल लैम्बो इतने की नहीं आती, मैंने बहुत खरीदी है ठीक है अंकल, 3,70,000 मानते हो, मान जाओ। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने एक लैम्बो परचेस कर ली, अभी एक और परचेस करनी है भाई यार ये बहुत ज्यादा डैमेज थी, तो अपन लोगों को इसको रिपेयर कराना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा होगा। हेलो अंकल देखो अगर ये डैमेज नहीं है तो ही भाई, तो तभी इतना महंगे बेच रहे हैं, 3,90,000 मान जाओ अंकल, मान जाओ प्लीज। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने अपनी दूसरी लैम्बो भी परचेस कर ली है, अभी अपनी पोच रह गई, इसको भी परचेस करते हैं और लेके चलते हैं अपने शोरूम में। अंकल 1,30,000 जल्दी बोलो। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने पोच भी परचेस कर लिया और आज अपन लोगों ने एक नहीं दो रही तीन तीन सुपर कार परचेस की थी भाई, इतने दिन से कोई सुपर कार नहीं मिल रही थी, लेकिन आज हम लोगों को बहुत सारी मिल गई भाई, 3 सुपर कार मिली है, जो कि बहुत ज्यादा है। दीदी इस कार के 7,20,000 ही है, लेना है तो लो। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने अपनी पहली लैम्बो सेल कर दी है। हेलो अंकल क्या हाल है, ये है लैम्बो और ये बहुत महंगी होती है। अंकल यार मुझे लगता है अंकल खरीद सकते हैं, एक ऑफर देना बनता है अंकल आपके लिए, स्पेशल ऑफर 7,30,000 अंकल मान जाओ। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने दूसरी लैम्बो भी सेल कर दी है, अपने पास अभी एक लैम्बो है जो अपनी ड्रिफ्ट वाली है, और अपने पास ये अभी दूसरी कार मतलब छोटी छोटी कार भी है जो कि अपन लोग अभी रख रहे हैं, इनसे भी थोड़े पैसे आते रहते हैं भाई। और इसके बाद हम लोग ये सारी कार सेल कर देते हैं और अपने पास टोटल हो जाते हैं $21,00,000, जो कि बहुत ज्यादा है भाई। ओके गाइस, तो आज है डे 42 और आज है कार मार्केट, चलो चलते हैं कार मार्केट, और आज मुझे लग रहा है आज अपन लोगों को कोई तगड़ी कार मिल सकती है भाई, कोई अच्छी कार मिल जाए बस मजा आ जाएगा। ओके ओके अपन लोग आ गए हैं। ओ सुप्रा भाई क्या धांसू लग रही है, दीदी आपकी सुप्रा सच्ची में बहुत ज्यादा कमाल है, और कोई अच्छी
मैंने बोला था भाई, मैंने बोला था। फाइनली अपन लोग को एक और लेमोर मिल गई है और अपने पास एक और पोच आ जाएगी भाई। ये अच्छा भाई, आ भाई अपना लक अच्छा है भाई। अंकल इस गाड़ी का प्राइस फिक्स है 370,000, मान जाओ अंकल मान जाओ। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने लेम्बो परचेज कर लिया है और इसके बाद हम लोग पोच और टोयोटा सुप्रा दोनों को परचेज करते हैं। ओके गाइस, तो आज है day 43 और आज अपन लोगों को सिर्फ बिल पे करना है, ना ही आज ऑक्शन है, ना ही आज कार मार्केट है। तो चलो जल्दी से बिल पे कर देते हैं, जो कि अपना ऑलमोस्ट $1,00,000 आया है, जो कि ज्यादा नहीं है, अपने पास बहुत पैसे हैं भाई, $13,00,000 पड़े रहते हैं। तब तो मैं आप लोगों को कलेक्शन दिखा देता हूँ। अपने पास सुप्रा है, अपने पास पोच है, अपने पास ऑडी आरेट है, अपने पास दो लैम्बो है। और भाई अभी अपन लोग कलेक्शन बना नहीं सकते क्योंकि अपन लोगों को थोड़े पैसे चाहिए। कलेक्शन मैं सोच रहा हूँ अपन लोग बनाते हैं, पहले अपन लोग पोच का कलेक्शन बनाते हैं, उसके बाद अपन लोग बाकी कार का कलेक्शन बनाएंगे, लैम्बो का भी बनाएंगे, ऑडी आरेट का भी बनाएंगे और इनको सेल करेंगे। भाई अपने पास दो पोच हो गए हैं, तो भाई पोच का अपन लोग कलेक्शन बनाएंगे, उसके बाद जैसे अपने पास 5 पोच हो जाएंगे उसके बाद इनको सेल करेंगे। ओके गाइस, तो आज है day 44 और आज कार मार्केट ओपन है। चलो चलते हैं, देखते हैं कोई अपन लोगों को सुपर कार मिलेगी या नहीं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, प्लीज कोई सुपर कार तो नहीं। भाई मेरे को लग ही रहा था, मेरे को डाउट ही हो रहा था कि भाई इतना अच्छा अपना लक कहाँ है। भाई अपन लोगों को एक दो दिन अच्छी लेम्बो मिल गई थी, पोच मिल गई थी, लेकिन अब कोई कुछ कार है ही नहीं भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है भाई। बंदा क्या खरीदेगा, क्या खरीदेगा, क्या बेचेगा भाई, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और इसके बाद day 45 को होता है ऑक्शन और भाई मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ क्योंकि ये है ऑक्शन और अपन लोगों को एक रेयर कार मिल सकती है, लेकिन हम लोगों को मिलती है एक पोच। देखो ये भी मैं खुशी खुशी ले लेता हूँ क्योंकि अपन लोग पोच का कलेक्शन बना रहे हैं। day 46 को फिर से होता है ऑक्शन और मैं फिर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हम लोगों को कोई अच्छी कार नहीं मिलती। भाई यार हो गया है भाई, अब मेरा ऑक्शन से भरोसा उठ गया भाई। ओके गाइस, तो आज है day 47, कार मार्केट में अपन लोग आ गए हैं। कोई अच्छी कार यहाँ है या नहीं, मेरे को दिख तो नहीं। एक मिनट, क्या कर रही हो दी, मजा आ गया गाइस। तो फाइनली अपन लोगों को एक कमाल की कार मिल गई है, लेकिन सिर्फ एक ही कार है भाई, यार गलत बात है, एक दो लैम्बो भी दे देते तो मजा आ जाता, अपना कलेक्शन कम्प्लीट हो जाता। लेकिन भाई कोई ना, ऑडी आरेट ले लेते हैं। दीदी इतनी ठोके कहाँ से लेके आई हो, क्या 540,000? रुको मैं बताता हूँ इसका प्राइस कितना है, 440,000 लास्ट है। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने परचेज कर लिया है एक और ऑडी आरेट। और इसके बाद day 48 को फिर से होता है ऑक्शन और भाई इस बार ऑक्शन में हम लोगों को एक और पोच मिलती है। और आप लोग सोचे होंगे ब्लेज भाई से पोच ही तो मिली है, लेकिन भाई हम लोग पोच का कलेक्शन बना रहे हैं, तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ पोच को देखकर। ओके गाइस, तो आज है day 49 और आज है कार मार्केट। चलो चलते हैं और देखते हैं कोई अच्छी कार मिलती है या नहीं। ओके गाइस, तो फाइनली आ गए हैं पुल्लू कार मार्केट, कोई अच्छी कार है या नहीं। नहीं भाई, कैसे भाई, लैम्बो और ऑडी आरेट एक साथ भाई, ये कैसे उस प्रभी है भाई, क्या लक है भाई, आज का लक बहुत ही ज्यादा कमाल है भाई। हेलो दीदी क्या हाल है, ये मेरे को दे दो। और इसके बाद हम लोग इन तीनों कार को परचेज कर लेते हैं क्योंकि अपने पास बहुत सारे पैसे थे। ओके गाइस, तो आज है day 50 और आज अपन लोगों को बिल पे करना है और आज ना ही कार मार्केट है ना ही ऑक्शन है, तो भाई अपन लोग कहीं नहीं जा सकते कार खरीदने के लिए, तो भाई फटाक से बिल पे कर देते हैं। और भाई बिल ज्यादा नहीं है, $73,000 का है और भाई अपने पास इतनी सारी सुपर कार है तो इतना बिल तो बनता है। और आज अपना day 50 है, इसका मतलब ये है अपनी जो जर्नी है वो आधी कंप्लीट हो गई है और अपने पास क्या ही खतरनाक कलेक्शन है। अपने पास ऑडी है, अपने पास लैम्बो है, अपने पास पोच है, और अगर आप लोग बाहर देखोगे तो अपने पास दो ऑडी और हैं, एक और लैम्बो है, इसका मतलब दो लैम्बो और तीन ऑडी हैं, और इसके साथ साथ तीन पोच हैं, ये नीचे अभी ऊपर भी है भाई, दिखाता हूँ ऊपर कौन कौन सी कार है। तो ऊपर एक पोच है और एक लैम्बो है, इसका मतलब अपने पास तीन लैम्बो है और चार पोच है, एक और पोच आ जाएगी, उसके बाद इस अब जो अपना कलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग इनको अच्छे से ट्यून कराएंगे और इनको सेल करेंगे। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोग कार मार्केट में आ गए हैं। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग अपनी पोच मिल गई। अंकल अंकल अंकल, ये बहुत ज्यादा कमाल कार है अंकल, जल्दी अंकल 1,40,000 अंकल जल्दी हाँ बोलो। ओके गाइस, तो फाइनली अपना पोच का कलेक्शन कंप्लीट हो गया है और ये अपना पहला कलेक्शन है जो कि कंप्लीट हुआ है। भाई यार कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, अभी चलो चलते हैं इनको लेके चलते हैं, इनको ट्यून कराते हैं और उसके बाद हम लोग इनको सेल करेंगे और देखते हैं 5 पोच को सेल करने के बाद कितना प्रॉफिट होता है। और इसके बाद अपन लोग अपनी सारी पोच को ट्यून कराते हैं, उनको नए व्हील देते हैं, उनको नया पेंट देते हैं और भाई ये पेंट होने के बाद वो क्या ही कमाल लगती है। ओके गाइस,
गाइस तो ये है अपनी पहली पोश और ये दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। इसका कलर भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, पोश में ये कलर भी काफी ज्यादा कमाल लगता है भाई। ओके गाइस तो ये है अपनी पोश नंबर 2 और भाई ये दिखने में क्या ही कमाल लग रही है भाई। ग्रीन कलर पोश पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। देखो ये है सामने ब्लू और ये है ग्रीन, आप लोग कमेंट करके बताओ आपको इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा लगा। ओके गाइस तो आज है डे 54 और भाई आज बहुत बड़ा स्कैम हो गया, मतलब जो मेरा रिकॉर्डिंग था वही खराब हो गया भाई। डे 52 डे 53 ये दोनों तो रिकॉर्ड ही नहीं हुए। मैंने सारी पोज पता है अच्छे से ट्यून कराई थी, कलर कराई थी, उनको सेल भी कर दिया था भाई। मैंने एक पोज 3 लाख के सेल की थी जो कि हाईएस्ट है। अब अपने पास से 3 ही पोज बची हैं, 2 का तो रिकॉर्डिंग ही चला गया भाई, इतना ज्यादा मूड खराब हो गया मेरा। बट भाई क्या ही कर सकते हैं भाई यार, क्या सच्ची बता रहा हूँ मूड खराब हो गया भाई मेरा। और इसके बाद हम लोग बाकी की पोज को सेल करते हैं। हेलो दीदी क्या हाल है, ये है रेड पोज और ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और भाई ये बहुत ही ज्यादा तेज भी है। मुझे लगता है अगर अपन लोग दीदी के साथ बार्गेनिंग करेंगे तो अपन लोग इसको अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हैं। दीदी मान जाओ 2,60,000, 2,50,000 मान जाओ दीदी मान जाओ। ओके गाइस तो फाइनली अपन लोग ने एक और पोज को सेल कर दिया है। हेलो अंकल तो ये है अपने स्पेशल पोज और अंकल ये बहुत ही कमाल कार है, अंकल खरीद लो। ओ भाई अंकल के साथ थोड़ा सा बार्गेनिंग करना होगा। अंकल 2,60,000 अंकल ये बेस्ट प्राइस है इस कार का। ओके गाइस तो फाइनली अपन लोगों ने अपनी पोज नंबर 4 को भी सेल कर दिया है। हेलो अंकल क्या हाल है, अंकल ये है गोल्डन पोज और ये बहुत ही ज्यादा रेयर होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। अंकल इतनी कंजूसी काई को कहते हो। अंकल स्पेशल ऑफर आपके लिए 2,40,000 अंकल मान जाओ, अंकल मान जाओ। ओके गाइस तो फाइनली अपन लोगों ने अपनी लास्ट पोज भी सेल कर दी है, लेकिन अभी कार मार्केट है, चलो चलते हैं कार मार्केट और देखते हैं कोई अच्छी कार वहां है या नहीं। ओके गाइस तो फाइनली अपन लोग कार मार्केट में आ गए हैं। ओके भाई तो आज देखो भाई क्या ही लक है। दादी दीदी जी जल्दी लो, ये लेम्बो आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए, जल्दी दो। और इसके बाद हम लोग कार मार्केट से लेम्बो और पोज दोनों परचेज करके लेके आते हैं। और इसके बाद डे 55 को होता है ऑक्शन और हर बार की तरह इस बार भी ऑक्शन में हमें कोई भी सुपर कार नहीं मिलती। ओके गाइस तो आज है डे 56, आ गए अपन लोग कार मार्केट में, यहाँ तो भाई कुछ है ही नहीं भाई, राइट में तो कोई कार है ही नहीं। ये क्या है भाई, जहाँ पे सुपर कार होती है वो सेक्शन ही हटा दिया भाई, यहाँ कोई भी कार क्यों नहीं है मेरे को समझ नहीं आ रहा। अंकल यहाँ जो सुपर कार होती थी वो कहाँ गई। अंकल दीदी यहाँ जो सुपर कार होती थी वो कहाँ गई, जल्दी बताओ मेरे को वो सुपर कार कहाँ है। और इसके बाद डे 57 को अपन लोगों को बिल पे करना होता है जो कि अप्रोक्स 60,000 का आया था और भाई आज ना ही कार मार्केट ओपन है और ना ही ऑक्शन है तो अपन लोगों को कोई भी सुपर कार नहीं मिल सकती। ओके गाइस तो फाइनली अपन लोग कार मार्केट में आ गए। ओम भाई नहीं, ये कैसे हो सकता भाई, एक साथ दो ऑडी R8 भाई ये पहली बार हुआ है मेरे साथ, ये बहुत ही ज्यादा कमाल है भाई, मजा आ गया गाइस, सच्ची बोल रहा हूँ ये बेस्ट है भाई, ये सबसे ज्यादा कमाल था। और इसके बाद हम लोग दोनों ऑडी R8 को परचेज कर लेते हैं और भाई इसके बाद अपना फाइनली ऑडी का कलेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो टाइम है सारी ऑडीज को ट्यून कराने का और उसके बाद हम लोग इनको सेल करने वाले हैं और देखते हैं अपना कितना प्रॉफिट होता है 5 ऑडी को एक साथ सेल करने के बाद। ओके गाइस तो फाइनली अपन लोगों ने अपनी सारी ऑडी को सेल पे लगा दिया और ये देखने में कितनी ज्यादा प्यारी लग रही भाई, थोड़ी सी भी गंदी ना हो जाए क्योंकि देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है भाई। मैं सच्ची बता रहा हूँ इस गेम में सबसे ज्यादा प्यारी ऑडी R8 लगती है, आप लोग कमेंट करके बताना। और भाई ये जितने भी कलर कराए ना वो बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, रेड ब्लैक शाइनी सिल्वर येलो, ये बहुत ज्यादा कमाल लग रहे हैं। इतने सारे लोग आ तो गए लेकिन मुझे नहीं लगता ये लोग ऑडी R8 परचेस कर सकते हैं, सच्ची में बहुत महंगी कार है यार। दादी 7,20,000 इससे 1 रुपए कम में नहीं मिलेगी ये कार, लेनी है तो बताओ। ओके गाइस तो फाइनली अपन लोगों ने अपनी येलो वाली ऑडी को सेल कर दिया और भाई काफी अच्छे प्राइस में गई है 7,20,000। मेरे को तो डाउट था भाई कि इतने में जाएगी या नहीं, लेकिन भाई ऑडी R8 का प्राइस सच्चे में बहुत ज्यादा कमाल है। और गाइस पता है मेरे को एक बात पता चली है, पता है सारी कार का अलग वैल्यू होता है, मतलब ऑडी R8 का डिफरेंट वैल्यू होगा दूसरी ऑडी R8 से, मतलब एक ऑडी R8 अपनी 7 लाख की जा रही है और एक जा रही है 10 लाख की, आप लोग समझ रहे हो भाई कितना ज्यादा कमाल है। और भाई ये सारी ट्यूनिंग करने के बाद बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि भाई ट्यूनिंग करने के बाद नहीं है भाई, ये सारी ट्यूनिंग मैंने दोनों कारों में कराई है फिर भी ये प्राइस का डिफरेंस है, पता नहीं ऐसा क्यों है भाई। अंकल ये है शाइनी सिल्वर ऑडी 7,20,000 लास्ट ऑफर है, मान जाओ अंकल
प्लीज। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने अपनी साइनी सिल्वर ऑडी को भी सेल कर दिया है। अभी अपने पास 3 ऑडी और बची हैं और भाई इनको भी अपन लोग 7 लाख के आसपास तो सेल करने वाले हैं। दीदी ये है अपनी ऑडी R8 विद रॉयल ब्लू कलर, ठीक है, तो इसका प्राइस है 7,20,000, मान जाओ प्लीज। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने अपनी ऑडी R8 ब्लू वाली को सेल कर दिया भाई। अब अपने पास 2 और हैं, इनको भी सेल करते हैं और उसके बाद मुझे लगता है अपने 3 मिलियन से ज्यादा हो जाएंगे भाई, 3 मिलियन से तो हो ही जाएंगे ज्यादा भाई। और इसके बाद हम लोग ड्रैग रेस चेक करने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कोई अच्छी कार नहीं थी। तो गाइज ये है अपनी ब्लैक वाली ऑडी और इसका प्राइस है $10,00,000। और भाई इससे पहले जो ऑडी थी उनका हम लोगों ने $8,00,000 रखा था, तो आप लोग समझ सकते हो भाई डिफरेंट कार का डिफरेंट प्राइस है, मतलब कलर की वजह से नहीं है ये पता है कार की वजह से है भाई। अंकल 9 लाख ये लास्ट प्राइस है, ये ब्लैक ऑडी है, मान जाओ अंकल प्लीज मान जाओ। ओके गाइज भाई यार 9 लाख की हम लोगों ने ऑडी R8 भाई ये सबसे ज्यादा महंगी कार है जो अपन लोगों ने अभी तक सेल की है यार। अंकल ये है रेड ऑडी, इसका लास्ट प्राइस है 8,80,000, मानते हो या नहीं। ओके गाइज, तो फाइनली अपन लोगों ने अपनी सारी ऑडी सेल कर दी है और अपने पास है अभी $46,00,000। और भाई ये इतने ज्यादा पैसे हैं कि अब हम लोगों को और कोई कार खरीदने की जरूरत ही नहीं है, अब अपन लोग सिर्फ अपनी सुपर कार का कलेक्शन बनाएंगे। अभी अपन लोग लैम्बो का भी कलेक्शन बनाने वाले हैं, उसके बाद अपन लोग अपना जो शोरूम है उसको भी अपडेट करेंगे। और भाई आज ऑक्शन है तो ऑक्शन में भी ट्राई कर लेते हैं, लेकिन अपनी फूटी किस्मत कोई भी अच्छी कार नहीं मिलती हम लोगों को ऑक्शन में। ओके गाइज, तो आज है Day 61 और आज कार मार्केट ओपन है, तो चलो चलते हैं कार मार्केट। ओके गाइज, तो फाइनली अपन लोग कार मार्केट आ गए और मेरे को ऑडी R8 दिख गई है भाई। तो फाइनली देखो अभी अपन लोगों ने कलेक्शन कंप्लीट किया है, अभी इसको अपन लोग डायरेक्ट सेल कर देंगे भाई। अभी अपन लोगों को लैम्बो चाहिए, लैम्बो का कलेक्शन कंप्लीट करना है। दीदी इसको हटाओ और नेक्स्ट टाइम लैम्बो लेके आना, ठीक है। और इसके बाद Day 62 को होता है ऑक्शन और हर बार की तरह इस बार भी हमें ऑक्शन में कोई भी अच्छी कार नहीं मिलती, ऑक्शन तो बेकार है भाई, मैं बता रहा हूँ ऑक्शन बेकार है। ओके गाइज, तो आज है Day 63 और आ गए अपन लोग कार मार्केट, देखते हैं कोई अच्छी कार मार्केट में है या नहीं, कोई तो अच्छी कार होगी या। ओ भाई मेरे को दिख गई, देख गए अंकल, तो फाइनली अपन लोग को अपनी एक और लैम्बो मिल गई है। ओ भाई अंकल ये इतनी ज्यादा डैमेज, अंकल मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। अंकल 3,20,000, अंकल ये लास्ट प्राइस है। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने एक और लैम्बो परचेज कर लिया, लेकिन ये बहुत ज्यादा डैमेज है, इसको अपन लोग को सही कराना होगा, उसके बाद ये अपने कलेक्शन में एड हो जाएगी। ओके गाइस, तो ये है Day 67 और फाइनली हम लोगों ने अपनी सारी लैम्बो को ट्यून कर लिया है और उनको अच्छे से कलर करा दिया है। ओके गाइज, तो ये है अपनी पहली लैम्बो और ये है अपनी गोल्डन लैम्बो जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल लग रही है। ओके गाइज, तो ये है अपनी लैम्बो नंबर 2 और ये है सियान कलर में जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। और हाँ भाई, हम लोग इनकी ड्रैग रेस कराएंगे, अभी अपनी ऑडी R8 अपनी लैम्बो पोर्श टोयोटा सुप्रा सबकी ड्रैग रेस कराएंगे और देखेंगे ये मतलब इनमें सबसे तेज कौन सी है, ये भी तो पता करना है ना भाई। ओके गाइज, तो ये अपनी लैम्बो नंबर 3 और भाई इस पे हम लोगों ने कराया है डार्क ग्रीन कलर जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल लग रहा है भाई। कमेंट करके बताना लैम्बो इस कलर में किसको अच्छी लग रही है, मेरे को तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है भाई। तो गाइज ये है लैम्बो नंबर 4 और ये है अपनी शाइनी सिल्वर वाली लैम्बो और ये दिखने में काफी ज्यादा कमाल लग रही है भाई। ये कलर सच्ची में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा कमाल भी लग रहा है। और इसके ग्लासेस रेड कलर के हैं, तो भाई ये बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है। ओके गाइज, तो ये है अपनी लैम्बो नंबर 5 और ये है अपनी लैम्बो इन रॉयल ब्लू कलर और भाई ये देखने में काफी ज्यादा कमाल है भाई। ये कलर ना सबसे अच्छा मेरे को ऑडी R8 पे लगता है और आप लोग कमेंट करके बताना आपने लैम्बो पे ये कलर कैसा लग रहा है। और भाई फाइनली टाइम है इन कार को सेल करने का। ओ भाई आज ऑक्शन है, कोई अच्छी कार आई है? नहीं भाई, भाई हमारी किस्मत खराब नहीं है भाई, ये ऑक्शन वाले ऐसे मतलब किसी को तो अच्छी कार दे दो भाई, हम लोग ऑक्शन में नहीं है तब भी कोई अच्छी कार नहीं है ऑक्शन में भाई। ओके गाइस, तो फाइनली कस्टमर आ गए हैं। हेलो अंकल, क्या हाल है? ये है हमारी स्पेशल लैम्बो, ये है अपनी लैम्बो इन रॉयल ब्लू। अंकल यार थोड़े से पैसे बढ़ा लो यार, चलो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है 6,60,000। अंकल देखो बहुत अच्छा ऑफर है, मान जाओ अंकल प्लीज मान जाओ।
ओके गाइस, तो फाइनली अब लोगों ने अपनी पहली लैम्बो को सेल कर लिया है भाई। अपने पास अभी 4 और हैं। और भाई हेलो दीदी, क्या हाल है? क्या आपको ये लैम्बो पसंद आई है? ये काफी अच्छी है। रहने दो दीदी। हेलो अंकल, तो ये है अपनी साइनी सिल्वर लैम्बो। अंकल ये बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। अंकल आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, 5,80,000। अंकल ये काफी अच्छा ऑफर है, अंकल मान जाओ। ओके गाइस, तो फाइनली अब उन्होंने अपनी लैम्बो नंबर 2 को भी सेल कर दिया है। हे अंकल क्या हाल है? ये है अपनी सियान लैम्बोर्गिनी। और अंकल ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। ओके अंकल के साथ थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। अंकल 7,20,000, ये बहुत अच्छा ऑफर है। अंकल ये बहुत अच्छी कार है। ओके गाइस, तो फाइनली अब उन्होंने अपनी सियान लैम्बो भी सेल कर दी है। हेलो अंकल क्या हाल है? ये है गोल्डन लैम्बोर्गिनी। अंकल ये बहुत अच्छी है यार। अंकल क्या कंजूसी कर रहे हो, आपके लिए एक स्पेशल ऑफर दे रहा हूँ अंकल, 7,20,000, ये बहुत अच्छी लैम्बोर्गिनी है अंकल, मान जाओ। ओके गाइस, तो फाइनली अब उन्होंने अपनी चौथी लैम्बो भी सेल कर दी है। अभी लास्ट रह गई अपनी ग्रीन वाली। और भाई अपने पास $70,00,000 हो गए भाई, कमाल हो गया भाई। हेलो अंकल, तो ये है एक स्पेशल लैम्बोर्गिनी, क्योंकि ये कलर में आपको लैम्बोर्गिनी मिलेगी नहीं, कोई और कलर ये कराता नहीं, इसीलिए हमने कराई है। स्पेशल ऑफर है 7,40,000 अंकल, मान जाओ। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने अपनी सारी लैम्बोर्गिनी सेल कर दिया और अपने पास अभी है टोटल $77,00,000। और भाई स्टार्टिंग में अपने पास $43,00,000 थे और अभी हो गए हैं $77,00,000। इसका मतलब अपन लोगों ने टोटल $34,00,000 कमाए हैं 5 लैम्बो को सेल करके। और भाई अगर मैंने आप लोगों को बताया नहीं, तो 5 ऑडी R8 सेल करने के बाद हम लोगों को प्रॉफिट हुआ था $39,00,000 का। तो भाई लैम्बोर्गिनी और ऑडी R8 में थोड़ा सा डिफरेंस तो है। और इसके बाद फाइनली टाइम था अपने शोरूम को अपग्रेड करने का। तो गाइस हम लोग अपने शोरूम को एक और लेवल पे अपग्रेड करने वाले हैं और ये होने वाला है काफी ज्यादा मजेदार। ओके गाइस, तो फाइनली अपना शोरूम तैयार है भाई। ये दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने फ्रंट में लगाए हैं ग्लास और ये ग्लास दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब अपना शोरूम बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रहा है और मैं थोड़ा डेकोरेशन भी लगा दिया है और मैं आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ। तो ये है अपना एंट्री गेट, इसके अंदर से अपन लोग जाएंगे। तो यहाँ है अपने कार के रखने के लिए जगह और मैंने स्पेशल 3 जगह लगा दी है भाई सामने की तरफ, तो सामने से दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे अपनी जो सुपर कार है वो आने वाली है, ऑडी लैम्बोर्गिनी पोर्श ये आने वाली है। इनका अपन लोग अब कलेक्शन बनाने वाले हैं क्योंकि अब अपने पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है। अगर अपन लोग ऊपर जाते हैं तो ऊपर भी मैंने ऐसे ही कर दिया भाई, ऊपर भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई। तो कुछ ऐसा नजारा है ऊपर से और ऊपर भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई, ऊपर भी काफी सारी कार आ सकती है। अब अपना जो शोरूम है काफी ज्यादा बड़ा हो गया भाई। अपना पहले जो शोरूम था वो छोटा था, ये वाला ज्यादा बड़ा है। और इसके साथ साथ अपन लोग बिल भी पे कर देते हैं। और भाई अभी अपने पास सिर्फ 3 कार हैं, एक अपनी मस्त फोर्ड क्लासिक, अपनी फोर्ड की मस्टैंग और एक अपने पास लास्ट है टोयोटा सुप्रा। ओके गाइस, तो फाइनली मैंने अपने शोरूम को सेट कर दिया है, मैंने कार रख दी है और सामने आप लोगों को नजर आ रही होंगी अपनी फोर्ड की दो कमाल की कार, अपनी एस्कॉर्ट क्लासिक और अपनी मस्टैंग, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। अभी चलो चलते हैं घर पे सोने के लिए और आज है अपना Day 71। अब अपन लोगों को जाना है और मस्त मस्त सुपर कार को कलेक्ट करना है। ओके गाइस, तो आज है Day 72 और आज कार मार्केट ओपन है। तो भाई आज चलो चलते हैं कार मार्केट, देखते हैं अपन लोगों को कौन सी सुपर कार मिलेगी। भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो गाइस फाइनली आ गए हैं अपन लोग कार मार्केट में और भाई लैम्बो ऑडी कौन सी है। ओके गाइस, तो फाइनली एक ऑडी R8 अपन लोगों को मिल गई है। तो भाई ये हुई ना बात भाई, अपने कलेक्शन की स्टार्टिंग हुई है ऑडी R8 के साथ। तो भाई इसको मस्त अपन लोग परचेस करते हैं और इसको अच्छे से ट्यून कराएंगे और इसको कलेक्ट कराएंगे। दीदी 3,85,000 मान जाओ। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों ने परचेस कर ली अपनी ऑडी R8 को और इसके बाद अपन लोग अपनी सुप्रा को भी ट्यून कराते हैं, उसको भी कलर कराते हैं और भाई फाइनली अपनी सुप्रा तैयार है। ओके गाइस, तो ये है टोयोटा सुप्रा जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल लग रही है भाई। रेड कलर बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है और इसके पे भाई स्पॉइलर लगाए तो और भी ज्यादा अच्छी लग रही है। अभी अपनी ऑडी लेके चलते हैं, इसको भी कलर कराते हैं भाई। ये अपने कलेक्शन में रहने वाली है, इनको अपन लोग सेल नहीं करेंगे। तो भाई इनको मस्त ट्यून कराते हैं और मस्त कलर कराते हैं। अरे अंकल साइड हो जाओ यार, ऑडी आ रही है। ओके गाइस, तो फाइनली अपनी ऑडी R8 तैयार है और भाई इस पे यही कलर मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करके बताना, ये मेरा फेवरेट कलर है अपनी ऑडी R8 पे भाई, काफी ज्यादा प्यारी लगती है इस कलर में अपनी ऑडी R8। और भाई आज ड्रैग रेस में भी कोई अच्छी कार नहीं आई है। ओके गाइस, तो आज है Day 73 और आज भाई ऑक्शन है। जब तक ऑक्शन नहीं स्टार्ट हो रहा, अपन लोग क्या कहते हैं अपनी
ऑडी R8 को लेके चलते हैं और जाने वाले हैं अपन लोग ड्रैग रेस के लिए और देखते हैं कोई अच्छी कार हम लोगों को मिलती है या नहीं। अगर कोई अच्छी कार मिली उसको अगर हम लोग बैट इस कार कर पाए तो भाई मजा आ जाएगा। और भाई अपनी जो ऑडी है वो दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल है। इसकी स्पीड अच्छी है, बहुत अच्छी है भाई। इसकी मैक्स स्पीड मुझे लगता है 300 तो इजिली टच कर जाएगी। तो गाइस, अरे ड्रिफ्ट कैसे हो रहा है भाई। ओके गाइस, तो फाइनली आ गए हैं और मेरे को एक ऑडी दिख रही है, तो यस अब बैट इस कार तो इजिली हो जाएगी। हेलो अंकल, आपकी ऑडी भी अच्छी है लेकिन हमारी बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है यार। ब्लू कलर देखो कितना ज्यादा कमाल लग रहा है। ये व्हाइट तो वैसे भी गंदी है और ज्यादा बेकार लग रही है। अंकल बैट इस कार करो। अंकल ये नहीं चाहिए। यस तो फाइनली बैट इस कार। तो गाइस रेडी हो जाइए एक मजेदार रेस के लिए। क्या? और इसके बाद हमारा गेम क्रैश हो जाता है। गाइस एक बैड न्यूज़ है यार, अपनी जो ऑडी R8 थी वो ग्लिच की वजह से गायब हो गई। भाई यार अभी तो ऑडी R8 मिली थी, ग्लिच हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और इसके बाद अपना ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है और हर बार की तरह हमें कोई भी अच्छी कार ऑक्शन में नहीं मिलती है। ऑक्शन तो बेकार है भाई, ऑक्शन से तो भरोसा उठ गया भाई मेरा। ओके गाइस, तो आज है day 74 और आज हम लोग करने वाले एक कमाल का स्टैंड। तो हमारे पास है टोयोटा सुप्रा जिसको हम लोग उड़ाने वाले हैं। तो भाई हम लोग तैयार है। ओके गाइस, तो सामने एक स्लोप है और हम लोग अपनी टोयोटा सुप्रा उड़ानी है। ओके ओ भाई, नहीं भाई ये उड़ रही है, ये सच्ची में भाई क्या ही कमाल है यार। भाई यार ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी था, सच्ची बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा मजेदार था यार। गाड़ी टूट गई लेकिन मजा बहुत आया भाई, ये कहने में सच्चे में बहुत ज्यादा मजा आता है यार। और भाई अपनी टोयोटा सुप्रा कितनी कमाल लग रही है, ये कलर अपनी टोयोटा सुप्रा पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। और इसके बाद हम लोग अपनी सुप्रा को रिपेयर भी करा देते हैं भाई। फिर आप लोग बोलो कि ब्लेज भाई नहीं सुप्रा टूट गई, नहीं भाई रिपेयर करा दी है। ओके गाइस, तो अपना ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है लेकिन ये ऑक्शन थोड़ा स्पेशल है। आप लोग सोच रहे होंगे ब्लेज भाई इस ऑक्शन में क्या स्पेशल है, तो मैंने अपनी टोयोटा सुप्रा गलती से ऑक्शन में रखवा दी है। आप लोगों को अभी दिखेगी भाई मेरे से गलती हुई, ये अपनी टोयोटा सुप्रा नहीं है, नहीं है, नहीं है भाई, अपनी भाई आने वाली है भाई। यार मैं यार चेक कर रहा था कि इसमें नया ऑक्शन आया है, मतलब हम लोग भी अपनी कार को ऑक्शन करवा सकते हैं, मैं बस वो देख रहा था ठीक है। और गलती से भाई मैंने अपनी सुप्रा को ऑक्शन में रखवा दिया यार। इतनी प्यारी सुप्रा है स्पॉयलर के साथ। देखो इस वाली सुप्रा में स्पॉयलर नहीं है लेकिन अपनी वाली सुप्रा में स्पॉयलर है। और अपनी वाली सुप्रा सच्ची में बहुत ज़्यादा कमाल है भाई, उसका कलर भी कितना ज़्यादा अच्छा है भाई। यार अगर मैं उसको दोबारा नहीं खरीद पाया तो भाई बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा। लेकिन ये वाली सुप्रा तो हम लोगों ने खरीद ली, अब कोई अच्छी कार शायद ही आएगी। आएगी तो अपनी सुप्रा आएगी ना। ओके भाई, तो ये थर्ड कार चल रही है, लास्ट अपनी शायद टोयोटा सुप्रा आने वाली है। ओके भाई ये आ गई अपनी सुप्रा, प्लीज मेरे को परचेज करने देना योर कार। हाँ ठीक है, लाओ भाई परचेज करने का हमें भी दो भाई, हम भी बैट लगाएंगे यार। नहीं भाई यार नहीं, ऑप्शन नहीं आ रहा भाई, नहीं। इसका मतलब आप लोग नहीं बैट लगा सकते। उसको मैंने कितना अच्छा ट्यून कराया, उसको इतना अच्छा कलर कराया और इन्होंने क्या बेस प्राइस रखा, $30,000 भाई। नहीं, ओ माय गॉड भाई, इतने सस्ते में अपनी टोयोटा सुप्रा खरीद ली, ये क्या यार, हमारे साथ ही ऐसा ये होता है यार। ओके गाइस, तो आज है day 75 और आज कार मार्केट है, देखते हैं हम लोगों को कौन सी कार मिलेगी। क्या? नहीं नहीं भाई, ये कैसे हो सकता है, नहीं यार कोई अच्छी कार है ही नहीं। नहीं यार मेरे को कलेक्शन बनाना है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई अच्छी कार नहीं दोगे, वो ऑडी R8 वैसी ग्लिच की वजह से चलेगी और कोई अच्छी कार मिल भी नहीं रही। ओके ड्रैग रेस में ही अपन लोगों को एक अच्छी कार मिल जाएगी। मत दो यार, मत दो, मेरे को ये गेम खेलना ही नहीं है, हटाओ यार। और इसके बाद day 76 को होता है ऑक्शन और हर बार की तरह हमें कोई भी अच्छी कार नहीं मिलती भाई, ऑक्शन तो रहने ही दो यार। ओके गाइस, तो आज है day 77 और आज कार मार्केट ओपन है और मुझे आज उम्मीद है कि हम लोगों को एक अच्छी कार मिल जाएगी। मिल तो जाएगी भाई, मिल जाएगी गाइस। ओके हम लोग, नहीं यार नहीं नहीं प्लीज, ओ यार क्यों भाई, कोई भी कार नहीं है यार। मतलब इस बार तो सुपरा भी नहीं थी, ना पोच थी, ना लैम्बो, ना ऑडी, भाई क्या चल रहा है ये। ओके गाइस, तो आज है day 78 और आज हम लोगों को अपना बिल पे करना है, ना ही ऑक्शन है और ना ही आज अपना कार मार्केट है। और अब बिल भी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहा है क्योंकि हमारे पास कोई भी कार नहीं है भाई, सच्ची में नहीं है भाई यार। ओके गाइस, तो आज है day 79 और आज है कार मार्केट और भाई आज एक अच्छी कार तो मिलेगी, पक्का मिलने वाली है क्योंकि 2-3 बार से मिल नहीं रही। ओके नहीं नहीं यार,
कैसे, ये हो कैसे रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, ये कोई अच्छी कार देख क्यों नहीं रहे भाई। ओके गाइस, तो आ गए अपन लोग ड्रैग रेस पे। ओ भाई, तो फाइनली अपन लोगों को एक और सुप्रा मिल गई है। हेलो अंकल, बैट इस कार, अंकल ये नहीं बैट इस कार। ओके गाइस, तो फाइनली अपनी रेस होने वाली है सुप्रा के साथ। ओके गाइस, तो फाइनली अपनी रेस स्टार्ट होने वाली है। मैं तैयार हूँ भाई, अपनी सुप्रा जीत जाएगी, मैंने ट्यून करा दिया है। नहीं यार, अपनी जीतेगी, अपनी जीत। ओ भाई, इसके पास बूस्टर है। अरे अपने पास भी तो है ना नाइट्रो भाई, मैंने बोला था हम लोग इजीली हरा देंगे और फाइनली हम लोग ये रेस जीत गए हैं। तो ये है अंकल जी की सुप्रा भाई। अंकल ने तो बहुत ज्यादा गंदी रखी है, पता नहीं ये लोग इतनी ज्यादा गंदी क्यों रखते हैं अपनी कार को। मैं तो भाई साफ करके रखता हूँ अपनी कार को, कितनी प्यारी लग रही है अपनी सुप्रा। ओके गाइस, तो आज है डे 80 और आज है और ऑक्शन से पहले अपन लोग चलते हैं ड्रैग रेस, देख के आते हैं कोई अच्छी कार है या नहीं। ओके गाइस, तो फाइनली आ गए हैं अपन लोग ड्रैग रेस पे और कोई भी अच्छी कार नहीं है ड्रैग रेस के लिए, तो चलो भाई ऑक्शन का वेट कर लेते हैं और क्या। और इसके बाद अपना ऑक्शन स्टार्ट होता है और हर बार की तरह हमें कोई भी अच्छी कार नहीं मिलती है भाई। ऑक्शन का वेट करना ही बेकार है, सच्ची बता रहा हूँ, ऑक्शन में कोई अच्छी कार नहीं मिलती भाई। और इसके बाद डे 81 को होता है फिर से ऑक्शन और हर बार की तरह इस बार भी हमको कोई भी अच्छी कार नहीं मिलती भाई। मेरे को समझ नहीं आ रहा, जब कोई अच्छी कार देनी नहीं है तो ये ऑक्शन कराते क्यों, मतलब ऑक्शन इज टाइम वेस्ट भाई, समझा करो यार, कोई तो अच्छी कार दे दो। ओके गाइस, तो आज है डे 82 और आज कार मार्केट ओपन है, तो चलो चलते हैं कार मार्केट, देखते हैं कौन सी सुपर कार हमें मिलने वाली है। ओके गाइस, तो फाइनली आ गए हैं अपन लोग कार मार्केट में। नहीं नहीं नहीं, अपनी किस्मत भाई, यार कितना टाइम हो गया भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ अपन लोगों को 4-5 बार हो गई है कार मार्केट में, जब से एक भी सुपर कार नहीं मिली है, पता नहीं अपनी किस्मत क्या चल रही है भाई, मैं थक गया हूँ भाई। और डे 83 को होता है फिर से ऑक्शन और अगर आप लोग ऑक्शन से उम्मीद लगा रहे हो तो आप लोग गलती कर रहे हो भाई, क्योंकि यहाँ पे सुपर कार नहीं मिलती। ओके भाई, तो हम लोग ड्रैग रेस के लिए आ गए हैं और यहाँ भी कोई अच्छी कार नहीं है भाई, किस्मत पता नहीं क्या चल रही है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओके गाइस, तो आज है डे 84 और आज कार मार्केट ओपन है और आज मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि हम लोगों को एक अच्छी कार मिल जाएगी। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोग आ गए हैं कार मार्केट में। नहीं भाई, नहीं यार, आज भी कोई अच्छी कार नहीं है भाई, अब बंदा करे तो क्या करे भाई, ना ही ऑक्शन में अच्छी कार मिल रही ना ही कार मार्केट में, क्या करे भाई। ओके गाइस, तो आज है डे 85 और आज हम लोगों को बिल पे करना है, तो फटाक से बिल पे करते हैं क्योंकि ना ही आज ऑक्शन है ना ही कार मार्केट और भाई बिल तो कोई कुछ आ ही नहीं रहा भाई बिल में, भाई कार ही नहीं है तो किसका बिल आएगा। ओके गाइस, तो आज है डे 86 और आज फिर से है कार मार्केट और आज मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद है हम लोगों को एक अच्छी कार मिलेगी, पक्का मिलेगी। ओके, तो हम लोग आ गए हैं कार मार्केट और भाई मेरे को एक कार दिखी है गाइस और कोई भी अच्छी कार नहीं दिखी। हम लोगों को एक पोच मिल गई है, चलो पोच तो मिली, हम लोग इसको ही खरीद लेते हैं। हेलो अंकल, क्या हाल है। अंकल अंकल बस ये बोलो कितने रुपए देने हैं, बस इतना बोलो अंकल, ये ज़्यादा है अंकल, 1,49,000 अंकल, मान जाओ। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोगों को इतने दिनों के बाद एक सुपर कार मिल गई है जो कि अपनी पोच, और भाई फाइनली एक सुपर कार तो मिली अपने कलेक्शन के लिए। ओके गाइस, तो फाइनली आ गए अपन लोग ड्रैग रेस के लिए। ओ भाई, ये क्या कार है यार भाई, ये कार यार नहीं, ये कार यार अलग है भाई, ये कार अलग है अंकल, ये कौन सी कार है, डॉज वाइपर। ओ भाई अंकल, बैठ इस कार अंकल, कर लो यार बैठ इस कार अंकल, अंकल कर लो ना। और इसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं लेकिन अंकल फिर भी नहीं कहते बैठ इस कार। ओके गाइस, तो फाइनली अपनी रेस हो रही है डॉज वाइपर के साथ और मैं अपनी सुपरा लेके आया था क्योंकि सुपरा की स्पीड ज्यादा है और रेस स्टार्ट होने वाली है। ओके भाई, अपनी स्पीड ज्यादा है भाई, डॉज वाइपर बेकार है भाई, अपनी सुपरा बेस्ट है भाई, क्या स्पीड है भाई, अब लोग बहुत ज्यादा आगे हैं भाई, इजीली जीत गए भाई, यस। तो फाइनली हम लोग डॉज वाइपर से ये रेस जीत गए है भाई। यार ये रेस अगर बैटिस कार होती तो हमारे पास होती डॉज वाइपर भाई, मैंने पहली बार देखी है ये कार इस गेम में भाई, कितनी ज्यादा रेयर है ये कार। और डे 87 को होता है फिर से ऑक्शन लेकिन इस बार हम लोगों को ऑक्शन से मिलती है पोच, और भाई अपना लक अच्छा है कि पोच मिली है लेकिन अपना लक इतना अच्छा नहीं है कि अपन लोगों को एक डॉज वाइपर या निसान GTR या माज़दा X7 मिल सके भाई, वो कार बहुत ही ज्यादा रेयर है यार, वो अगर मिल जाती तो मजा आ जाता। और गाइज अपन लोगों ने अपनी पोच को भी ट्यून करा लिया है, इसको भी मस्त कलर करा दिया है और भाई ये कलर इस पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को ये वाला कलर कैसा लगा। और इसके बाद
बार डे 88 को फिर से होता है ऑक्शन, लेकिन अपनी किस्मत अच्छी नहीं थी क्योंकि हमें कोई भी अच्छी कार नहीं मिलती। ओके गाइस, तो आज है डे 89 और आज कार मार्केट ओपन है, तो चलो चलते हैं भाई। आज ना एक अच्छी कार तो मिलने वाली है भाई, आज पक्का एक अच्छी कार मिलेगी। अपन लोग आ गए हैं कार मार्केट में और कोई अच्छी कार नहीं, प्लीज दे दो यार। नहीं भाई यार, आज भी कोई अच्छी कार नहीं है भाई। कार मार्केट तो और ज्यादा बेकार हो गया है भाई, यहाँ पे कोई अच्छी कार आती ही नहीं है। क्या ड्रैग रेस में कोई अच्छी कार है? नहीं है, नहीं है, ड्रैग रेस में भी कोई अच्छी कार नहीं है भाई। और इसके बाद डे 90 को होता है ऑक्शन और इस ऑक्शन में हम लोगों को मिलती है पोर्श और कोई सुपर कार नहीं मिलती। क्या कर रहे हो अंकल, कोई अच्छी कार लगाओ यार, ये डॉज वाइपर वगैरह लगाओ, क्या कर रहे हो अंकल, ही गायब हो गए भाई यार, हमें कोई अच्छी कार मिलेगी या नहीं। ओके गाइस, तो आज है डे 91 और आज कार मार्केट ओपन है और आज पक्का एक अच्छी कार मिलने वाली है कार मार्केट से। चलो चलते हैं, देखते हैं कोई अच्छी कार है या नहीं कार मार्केट में। कोई अच्छी कार है? यस, फाइनली लैम्बोर्गिनी, फाइनली अंकल। अंकल अंकल क्या कमाल हो अंकल, मजाक नहीं कर रहा अंकल, बहुत ज्यादा मजेदार कार है भाई। अंकल कितने रुपए अंकल, बस इतना बोलो अंकल, इतना ज्यादा कहाँ से ठोके लेके आए हो अंकल, जल्दी दो अंकल, बार्गेनिंग नहीं करनी मेरे को भाई। फाइनली अपन लोगों को लैम्बोर्गिनी मिल गई थे टाइम के बाद भाई। हाँ भाई, मेरे को सच्ची लग रहा था कि ये गेम ग्लिच कर गया है क्योंकि इस पे कोई भी अच्छी कार नहीं आ रही थी। ओके गाइस, तो आज है डे 92 और आज अपन लोगों को बिल पे करना है, तो चलो चलते हैं बिल पे करते हैं। तो भाई अपना बिल आया है $17,000 जो कि सही है भाई, अब अपने पास कार आ रही है तो बिल भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो गाइस फाइनली टाइम है अपनी लैम्बोर्गिनी को ट्यून कराने का और इसको मस्त कलर कराने का भाई, इतने दिनों बाद एक सुपर कार भाई, मजा आ गया। ओके गाइस, तो ये है अपनी गोल्डन लैम्बोर्गिनी और भाई ये देखने में क्या ही कमाल लग रही है भाई। मैंने भाई फुल इसको ट्यून करा दिया है और इसका जो कलर है वो हमने मेटेलिक और स्मूथ रखा है और ये देखने में काफी ज्यादा प्यारी लग रही है, इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा अच्छी है। चलो चलते हैं इसके साथ ड्रैग रेस करने के लिए, देखते हैं कोई अच्छी कार है या नहीं। ओके गाइस, तो आ गए हैं अपन लोग ड्रैग रेस में और कोई भी अच्छी कार नहीं है तो अपन लोग ड्रैग रेस नहीं करने वाले और फिलहाल अपनी लैम्बो होने वाली है अपनी पर्सनल कार। ओके गाइस, तो ये है डे 93 और आज कार मार्केट ओपन है, चलो चलते हैं देखते हैं भाई। कल हम लोगों को लैम्बो मिली थी, आज हम लोगों को मतलब परसों मिली थी लैम्बो और आज भाई फाइनली अंकल ऑडी आ रही है। थैंक यू अंकल, भाई यार कितनी प्यारी लग रही है अंकल। अंकल प्राइस बोलो यार, कितने प्राइस है ये बोलो, पैसे बहुत हैं अंकल। इतना नहीं है अंकल इसका, अंकल लास्ट है 5,30,000। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने परचेज कर ली है अपनी एक और सुपर कार जो कि है अपनी ऑडी R8 भाई। ये बहुत ज़्यादा महंगी है तो इसका मतलब ये महंगी जाएगी भी, ऐसा नहीं है भाई कि अंकल ने हम लोगों को महंगी चिपका दी, नहीं भाई ये महंगी सेल होगी लेकिन हम लोग इसको सेल नहीं करने वाले, ये अपने कलेक्शन में शामिल होगी। ये कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है यार। ओके गाइस, तो फाइनली अपनी ऑडी R8 तैयार है, मैंने इसको मस्त ट्यून करा दिया है, इसको कलर भी करा दिया है और ये कलर मैंने थोड़ा सा लाइट कराया है पिछली बार से, अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे हो, ये भी दिखने में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है यार। ओके गाइस, तो फाइनली आ गए अपन लोग ड्रैग रेस के लिए, लेकिन कोई भी अच्छी कार नहीं है तो अपन लोग ड्रैग रेस नहीं करने वाले और फिलहाल अपनी ऑडी R8 है अपनी पर्सनल कार। और इसके बाद डे 94 को होता है ऑक्शन और भाई हमारी किस्मत भाई, ऑक्शन में कोई अच्छी सुपर कार आई नहीं, मुझे लगा यार कार मार्केट में आ गई है तो ऑक्शन में भी आ जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसके बाद डे 95 को भी होता है ऑक्शन और हर बार की तरह हमें कोई भी अच्छी कार नहीं मिलती भाई। ऑक्शन तो रहने दो भाई, सच्ची बता रहा हूँ ऑक्शन से कभी अच्छी कार मिल ही नहीं सकती भाई, मेरे को अभी तक लैम्बो या ऑडी कुछ भी नहीं मिली भाई। और ये है अपना शोरूम भाई, क्या ही प्यारा लग रहा है भाई, कलेक्शन तो बढ़ रहा है भाई अपना। और अगर ड्रैग रेस की बात करें तो आज कोई अच्छी कार है नहीं तो अपन लोग ड्रैग रेस करने वाले नहीं हैं। ओके गाइस, तो आज है डे 96 और आज कार मार्केट ओपन है, देखते हैं अपन लोगों को कौन सी सुपर कार मिलेगी, या लैम्बो मिलेगी या ऑडी मिलेगी, एक तो मिलने वाली है भाई, शायद मिल जाए भाई। ओके गाइस, ओके ओ भाई, तो एक पोर्श तो मेरे को नज़र आ गई है लेकिन इसके अलावा हमें कोई भी सुपर कार नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक पोर्श है। और इसके बाद डे 97 को होता है ऑक्शन, लेकिन भाई इस बार ऑक्शन से हमें मिलती है एक पोर्श और एक सुप्रा, ये कार हमारे पास पहले से थी भाई, कोई रेयर कार मिल जाती तो मजा ही आ जाता। ओके गाइस, तो आज डे 98 और आज कार मार्केट ओपन है, चलो चलते हैं और देखते हैं अपन लोगों को कौन सी अच्छी कार मिलेगी भाई। यार दो दिन रह गए इस जर्नी को ख़त्म होने में, कोई तो अच्छी कार मिल जाए। नहीं यार पता नहीं भाई क्या हो गया है, कार मार्केट में कोई अच्छी कार मिलती नहीं है यार, नहीं ऑक्शन में मिल रही, नहीं कार मार्केट में मिल रही, ड्रैग रेस में मिलती है तो उसको बैट इस कार नहीं कर सकते, तो हम लोग करें क्या
मिलके डांडिया खेलते हैं भाई, और क्या। ओके गाइस, तो आज है डे 99 और भाई आज अपन लोगों को अपना बिल पे करना है। चलो चलते हैं, बिल पे करते हैं और देखते हैं क्या कोई ड्रैग रेस में हम लोगों को अच्छी कार मिलती है या नहीं। कल अपना लास्ट डे है इस जर्नी का और देखते हैं हम लोगों को कोई रेयर कार मिलती है या नहीं। भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, सिर्फ हम लोगों को लैम्बोर्गिनी और ऑडी R8 मिली है और मुझे नहीं लगता हम लोगों को उन तीनों रेयर कार में से कोई रेयर कार मिलेगी या नहीं, भाई पता नहीं। ओके गाइस, हम लोग ड्रैग रेस में आ गए। भाई क्या ड्रैग रेस है भाई, लैम्बोर्गिनी और यहाँ पे अपनी सुप्रा और यहाँ पे अपनी GTR। भाई क्या क्या कमाल है यार। अंकल कह लो, अंकल बैठ इस कार, अंकल अंकल ऑडी R8 है अंकल, थोड़ी सी तो इज्जत रखो अंकल इसकी, प्लीज बैठ इस कार कर लो। अंकल तो नहीं कर रहे, दीदी के साथ करके देख ले रहे हैं। ओके गाइस, तो फाइनली बैठ इस कार होने वाली है, लैम्बोर्गिनी वर्सेस ऑडी R8। ओके गाइस, तो फाइनली रेस स्टार्ट होने वाली है, ऑडी R8 वर्सेस लैम्बोर्गिनी। ओके गाइस, अपनी अपनी ऑडी आगे है भाई, अपन लोग जीत जाएंगे गाइस, काफी इजी है भाई, बहुत आगे है। अभी अपन लोगों के पास नाइट्रो भी है। ओके भाई जीत गए भाई, काफी आसानी से हम लोग लैम्बोर्गिनी से जीत गए हैं। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोगों को एक और लैम्बोर्गिनी मिल गई और ये अच्छी है, इसके पास स्पॉइलर है भाई, तो ये दिखने में अच्छी लग रही है। ओके गाइस, तो ये अपनी नई वाली लैम्बोर्गिनी है, मैंने इसको ट्यून करा लिया है, इसको कलर करा लिया है और चलते हैं देखते हैं इसका बेटेस्ट कार हो सकता है निसान GTR से या नहीं। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोग आ गए हैं, दादी जल्दी कर लो बेटेस्ट कार, दादी लैम्बो है यार, दादी कर लो यार निसान GTR के साथ, प्लीज दादी कर लो कर लो कर लो यार। ओके गाइस, तो अपन लोग अपनी पोच लेके आ गए हैं क्योंकि अपन लोग पोच वर्सेस पोच करते हैं बैटिस कार। ओके गाइस, तो फाइनली ये रेस होने वाली है काफी मजेदार। ओके गाइस, पोच वर्सेस पोच और भाई अपनी पोच देखने में काफी ज्यादा कमाल लग रही है यार, ये कलर अच्छा है। ओके ओके गाइस, तो फाइनली रेस स्टार्ट हो गई है, अपने पोच आएंगे क्योंकि इसमें रेस किट लगी हुई है और ये बहुत ही ज्यादा कमाल है, अपने पास नाइट्रो भी है। ओके भाई, तो नाइट्रो का यूज करके हम लोग फाइनली ये रेस जीत गए हैं। ओके भाई, तो ये है पोच भाई, ये भी अच्छी है, थोड़ी सी डर्ट है तो और डैमेज भी है भाई, पता नहीं लोग कैसे ले आते हैं। अंकल प्लीज कर लो यार GTR के साथ, प्लीज अंकल कर लो, अंकल किसी के साथ तो कर लिया करो यार, प्लीज कर लो बैटिस कार। मैं यार लैम्बो लेके आ गया, अपनी ऑडी लेके आ गया, अपनी पोच लेके आ गया, अभी भी नहीं कर रहे यार, कर लो यार बैटिस कार अंकल, बहुत ज्यादा रेयर है ये कार। ओके गाइस, तो फाइनली रेस होने वाली है ऑडी R8 वर्सेस निसान GTR। ओके गाइस, तो फाइनली रेस स्टार्ट हो गई है, अपनी ऑडी R8 का पिकअप काफी ज्यादा अच्छा है भाई, अपने पास अपनी ऑडी R8 में रेस किट है तो अपन लोग इजीली जीत पाएंगे और अपने पास नाइट्रो भी है और इनका यूज करके हम लोग फाइनली ये रेस जीत गए हैं भाई। निसान GTR पता नहीं कब आएगी, अच्छा वाला बैटिस कार कर लेते हम लोग, ये कार जीत जाते यार। भाई यार अपनी ऑडी R8 कमाल है, लेकिन भाई अपनी किस्मत यार, आज डे 99 था और अगर 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 रेस हो जाती भाई मज़ा आ जाता, बैटिस कार होती भाई डे 99 को अपन लोगों को मिलती निसान GTR। बट भाई ये गेम सच्ची बता रहा हूँ और मैं मजाक नहीं कर रहा, अपडेट के बाद बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा इतना ज़्यादा क्यों है, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। ऑक्शन में हम लोगों को लिटरली 100 डे होने वाले हैं कल और हमें कोई भी सुपर कार नहीं देखने के लिए मिली ऑक्शन में, तो भाई पता नहीं ये गेम वालों ने क्या कर दिया भाई, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। बट अब ये गेम खेलने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा भाई, क्योंकि सुपर कार कुछ ज़्यादा ही रेयर हो गई है भाई, इतनी ज़्यादा रेयर भी नहीं करनी थी। ओके गाइस, तो ये है डे 100 और फाइनली ये अपनी जर्नी का लास्ट डे है, आज कार मार्केट ओपन है, चलो लेके चलते हैं अपनी ऑडी R8 को और देखते हैं आज के दिन हम लोगों को कौन सी कार मिलेगी। ओके गाइस, तो हम लोग ड्रैग रेस पे आए हैं और कोई भी अच्छी कार नहीं है और उम्मीद थी भाई कल के दिन आ गई थी निसान GTR और उससे भी अपन लोगों की रेस नहीं हुई, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं कोई अगर ड्रैग रेस में अच्छी कार आ जाए तब भी, लेकिन अगर कार मार्केट में आ जाती है भाई, ये है डे 100, क्या हम लोगों को कोई अच्छी कार देखने के लिए मिलेगी या नहीं पता नहीं भाई, बस उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ हम लोगों को कोई अच्छी कार मिल जाए। तो गाइस फाइनली आ गए हैं अपन लोग कार मार्केट में और देखते हैं कोई अच्छी कार मिलती है या नहीं, और नहीं भाई अच्छी कार छोड़ो, लैम्बोर्गिनी या ऑडी भी नहीं मिल रही भाई, मैं निसान GTR की बात कर रहा था, यहाँ पे तो कोई अच्छी कार नहीं है यार। ओके गाइस, तो ये है अपना शोरूम ब्लेज मोटर्स और भाई फाइनली अपन लोगों ने अपना कलेक्शन कंप्लीट कर लिया है, अपना जो शोरूम है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल लग रहा है क्योंकि इसमें है बहुत ही कमाल कमाल सुपर कार भाई, क्या ही प्यारा लग रहा है अपना शोरूम। चलो मैं आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ कि अपने पास कौन कौन सी सुपर कार है, स्टार्टिंग में आती है पोच और उसके आगे है अपनी कमाल की
लैम्बो और अपनी ऑडी R8। इसके बगल में भी और भी बहुत सारी पोच हैं। और भाई ये है अपनी गोल्डन लैम्बो, ये भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और भाई यहाँ पे आया है अपनी टोयोटा सुप्रा, इसके साथ साथ अपने पास बहुत सारी पोच हैं क्योंकि हम लोगों को यही मिल रही थी, तो मैं क्या ही कर सकता था भाई। और ऊपर भी है हमारे पास बहुत सारी कार, तो ये है अपनी टेस्ला और ये है अपनी टोयोटा सुप्रा और इसके साथ आती है अपनी फैंटम। और भाई ये कार भी बहुत ही ज़्यादा कमाल है। इसके बगल में अपनी कमाल क्यूटी कार, और ये तीनों कार मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, अपनी पोच, अपनी फोर्ड क्लासिक और अपनी फोर्ड की मस्टैंग। अब गाइज अपन लोग क्या करने वाले हैं, इन सारी कार का ड्रैग रेस कराने वाले हैं और देखते हैं सबसे फास्ट अपने पास कौन सी कार है, लेकिन वो करेंगे हम लोग कल क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। ओके गाइस, तो आज है day 101 और आज अपन लोग कराने वाले हैं अपनी सुपर कार में ड्रैग रेस और देखते हैं अपनी जो सुपर कार है उनमें सबसे तेज सुपर कार कौन सी है। ओके गाइस, तो सबसे पहले अपन लोग अपनी फोर्ड की मस्टैंग लेके आए हैं और इसको हम लोगों ने रेस किट वगैरह सारी चीजें लगा दी है और फाइनली आ गए हैं अपन लोग ड्रैग रेस के लिए। देखते हैं जो अपनी मस्टैंग है इसकी हाई स्पीड कितनी है, टॉप स्पीड कितनी है और ये 0 to 100 कितनी देर में पहुंचती है। ओके गाइस, तो फाइनली अपनी मस्टैंग स्टार्ट हो गई है, देखते हैं ये कितनी जल्दी पिकअप करती है। भाई 4.6 में ये 0 to 100 गई है जो कि काफी अच्छी स्पीड है। अभी देखना ये है इसका जो टॉप स्पीड है वो कितना है, हम लोग नाइट्रो यूज कर सकते हैं तो नाइट्रो के बाद देखते हैं इसका टॉप स्पीड कितना है। भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। ओके अपन लोगों ने नाइट्रो यूज कर लिया है, उसके बाद इसकी 250 तक गई है, अभी 252 हो गई है। भाई इसकी स्पीड अच्छी है, बढ़ रही है भाई, इसका मतलब ये है मुझे लगता है हम लोग एक ओवर नाइट्रो अगर यूज करेंगे तो ये अप्रॉक्स 280 जा सकती है जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल है। भाई 256 चली गई यार बिना नाइट्रो के, भाई मस्टैंग है तो कमाल भाई। 257 258, भाई अभी भी स्पीड बढ़ रही है और ये बहुत ही ज़्यादा कमाल है। मेरे को पहले डाउट था क्या ये स्पीड बढ़ेगी या नहीं, लेकिन मस्टैंग में ये स्पीड बढ़ रही है और ये बहुत ही ज़्यादा कमाल है। और भाई ये स्पीड बहुत ही ज़्यादा कमाल है भाई, और भाई एंड भी आ गया है। तो अपनी जो फोर्ड की मस्टैंग है उसका जो टॉप स्पीड रहा वो था 260 का जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल है। ओके गाइज, तो अपनी सेकेंड जो कार है वो है अपनी फोर्ड की एस्कॉर्ट क्लासिक, और भाई इसका जो पिकअप है वो काफ़ी ज्यादा अच्छा है। मेरे को डाउट है ये मस्टैंग से ज्यादा तेज है या नहीं, क्योंकि ये उससे सस्ती भी मिलती है। देखते हैं इसकी टॉप स्पीड कितनी है, देखने में तो कमाल लग रही है। ओके फाइनली ये स्टार्ट हो गई है और भाई इसको 0 to 100 थोड़ा टाइम लगा है क्योंकि दो बार गियर चेंज हुआ है जिसकी वजह से इसकी जो 0 to 100 है वो 5.3 सेकेंड में कंप्लीट हुआ है, जो कि ठीक है भाई। अगर इसके पास गियर मतलब चेंज नहीं करना होता गियर तो मुझे लगता है ये थोड़ा जल्दी कर ली थी, गियर चेंज करने की वजह से थोड़ा ज्यादा टाइम लगा है। अभी देखना ये होगा क्या ये टॉप स्पीड में मस्टैंग को बीट करती है या नहीं, वो भी तो चेक करना है। तो भाई इसकी स्पीड अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और भाई इसने 200 भी टच कर लिया जो कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये 250 टच कर पाएगी क्योंकि इसमें टर्बो ही नहीं है भाई, तो ये बिना टर्बो की कार है तो भाई मुझे नहीं लगता ये 250 टच कर पाएगी क्योंकि मस्टैंग ने टर्बो की मदद से 250 टच किया था। लेकिन एक बात देखनी है भाई, मस्टैंग ना 250 के बाद भी बढ़ती गई है, 260 तक पहुंच गई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल है, और इसका मतलब ये है कि मस्टैंग 260 तक जा सकती है बिना टर्बो के, लेकिन ये बिना टर्बो के नहीं जा सकती। इसकी टॉप स्पीड थी 202 जो कि काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये $15,000 की आती है भाई। ओके गाइस, तो अपनी नेक्स्ट कार है अपनी फेवरेट टोयोटा सुप्रा, और भाई ये ना बहुत तेज है भाई, इसके प्राइस पे मत जाना, आपको लग रहा है ये लैम्बो से बहुत ज़्यादा सस्ती है लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कमाल होने वाली है। देखते हैं भाई 3.3 में इसने 0 to 100 किया है, तो भाई आप लोग समझ सकते हो ये कितनी ज़्यादा तेज है। मैं बोल रहा हूँ इसका जो टॉप स्पीड है वो 300 तक जाएगा मेरे भाई, ये अभी पहुंच गया 250, भाई क्या कमाल कार है यार, बिना टर्बो के 250 टच कर लिए इसने, भाई 300 प्लस जाने वाली है भाई टोयोटा सुप्रा की स्पीड। भाई इसकी स्पीड कोई नहीं मैच कर सकता भाई, इसके साथ ड्रैग रेस करो ना भाई ये इजीली, भाई टर्बो के साथ इसने टच किया 320, भाई क्या ही कमाल कार है भाई। मैंने बोला ना इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा कमाल है भाई, इसका पिकअप भी बहुत ज़्यादा कमाल है, 3.3 सेकेंड में कंप्लीट किया है और इसकी टॉप स्पीड और भी ज़्यादा कमाल है। क्या ये भाई 322 गई है टॉप स्पीड, और ये बहुत ही ज़्यादा कमाल है यार, टोयोटा सुप्रा सच्ची में बहुत ही ज्यादा कमाल है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार है अपनी पोर्श, और ये दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल लग रही है, और देखो मुझे लग रहा है ये टोयोटा सुप्रा तक पहुंच सकती है, लेकिन टोयोटा सुप्रा बहुत ज्यादा तेज है, देखते हैं
और 3.6 में इसने कंप्लीट किया है, तो आप लोग समझ सकते हो सुप्रा ने इससे जल्दी पिकअप कर लिया था। उसका 3.3 था और इसका 3.6 है, तो ये थोड़ा सा लेट हो गई है। और देखते हैं टॉप स्पीड में क्या ये टोयोटा सुप्रा को पीट कर पाएगी, वो भी देख रहा है भाई। ओके भाई, इसकी स्पीड अच्छी है यार, 270-280 तक नो डाउट बिना टर्बो के पहुंच गई है। इसके बाद मैं टर्बो यूज़ करने वाला हूँ। ओके टर्बो के साथ भाई, टर्बो इसके ज़्यादा अच्छा नहीं है, अदरवाइज मुझे लग रहा था कि ये 330 तक पहुंच सकती है। 322 पहुंचा है इसका टॉप स्पीड। एक बार अपन लोग टर्बो यूज़ करने वाले हैं, लेकिन भाई इसका स्पीड कम हो रहा है भाई। अगर आप लोग देखोगे स्पीड इसका कम हो रहा है मैक्स भाई 329। ओ माय गॉड भाई, तो इसने टोयोटा सुप्रा को बीट कर दिया है। मेरे को पहले डाउट था क्योंकि इसका जो पिकअप था वो स्लो था, लेकिन भाई इसकी टॉप स्पीड बहुत ही ज्यादा कमाल है भाई, ये कार सच्चे में कमाल है भाई। ओके गाइस, तो नेक्स्ट अपनी आ गई है लैम्बोर्गिनी। लेकिन भाई इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें अभी रेसिंग किट नहीं लगी, क्योंकि अपन लोग देखने वाले हैं रेस किट लगाने से कोई फ़ायदा होता भी है या नहीं, देखते हैं। बिना रेस किट के है ये, आप लोग याद रखना। 3.8 यानी ये अपने पोस्ट से भी स्लो रही है भाई, और थोड़ा सा डाउट हो रहा है मेरे को लैम्बो पे देख ले। लेकिन अभी इसमें रेस किट नहीं लगाया, रेस किट लगवाएंगे तब भी चेक करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें रेस किट नहीं लगवाएंगे, रेस किट लगवा के भी चेक करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं भाई इसका टॉप स्पीड, भाई बहुत ज़्यादा कम लग रहा है मेरे को यार, भाई यार ये मेरे को पोस्ट से भी ज़्यादा कम लग रही है गाइस, देखते हैं। पोस्ट का थोड़ा ज़्यादा गया था, सॉरी, टोयोटा सुप्रा से भी कम लग रही है। और नाइट्रो यूज़ करने के बाद भी 300 नहीं पहुंची भाई, यार ये कैसे पॉसिबल है। इसकी स्पीड कम हो रही है यार, ये देखो भाई इसकी स्पीड कम हो रही है, तो ये कैसे पहुंचेगी। नहीं 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 हो सकता ऐसा, नहीं भाई यार इसकी मैक्स स्पीड 293 है। मैंने नहीं सोचा था लैम्बोर्गिनी की ये स्पीड है, लेकिन अभी रेस किट नहीं लगवाया, चलो चलते हैं रेस किट लगवाते हैं। अरे अंकल रेस किट लगा दो यार, ये दौड़ती नहीं है भाई। ओके चलो भाई कहते हैं रेस किट। ओके गाइस, तो फाइनली अब उन्होंने रेस किट लगवा दिया है, टर्बो और नॉस पहले ही है, चलो लेके चलते हैं इसको रेस के लिए। ओके गाइस, तो फाइनली अपनी लैम्बोर्गिनी इज बैक, और इस बार हम लोगों ने रेस किट लगवा दिया है। देखते हैं क्या ये 300 प्लस जाएगी या नहीं, मेरे को उम्मीद है। देखते हैं भाई क्या ये 300 क्रॉस कर पाएगी या नहीं। और 0 to 100 चेंज हुआ, नहीं 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 हुआ भाई, मुझे नहीं लग रहा रेस किट लगवाने का कोई फ़ायदा है क्या। ओ भाई थोड़ा सा डाउट है मेरे को यार, भाई इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है भाई, मतलब बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, एंड मेरे को अभी थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ऐसा नहीं चलेगा भाई, ये लैम्बो है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। 260 टच गई है, मैं अभी टर्बो यूज़ करने वाला हूँ, देखते हैं क्या होता है। ओके टर्बो, ओ भाई टर्बो इसके बेकार है यार, 290 भी नहीं टच किया इसने। एक और टर्बो को चार्ज होने दो, हम लोग एक और ट्राई करेंगे क्या ये 300 टच करेगी, और वो भी देखना है। ओके ओके गाइस, मैंने टर्बो यूज़ कर दिया है, और नहीं 293 इसकी टॉप स्पीड है रेस किट लगाने के बाद, कोई भी चेंज हुआ भाई। 0 to 100 भी सेम रहा और टॉप स्पीड भी सेम रही, तो भाई ये कार का कुछ नहीं हो सकता भाई। भाई मेरे को लगा था ये टोयोटा सुप्रा को बीट कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो गाइस फाइनली आ गए हैं अपनी ऑडी R8, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है भाई, ये कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है भाई, कितनी कमाल लग रही है। और हाँ इसमें भी मैंने रेस किट नहीं लगवाया, इसको भी एक बार टेस्ट करते हैं भाई। अपन लोगों ने अपनी लैम्बो टेस्ट किया बिना रेस किट के, इसको भी टेस्ट करते हैं। इसका 0 to 100 सेम किया 3.8 भाई, यार अपनी यार टोयोटा सुप्रा बहुत ज़्यादा कमाल है यार, ये कार मेरे को थोड़ी ज़्यादा स्लो लग रही है पता नहीं क्यों। और देखते हैं भाई क्या ये 300 टच करेगी, करनी तो चाहिए भाई, ये लैम्बो से तेज़ होनी चाहिए, मुझे नहीं पता भाई। ये कार इतनी ज़्यादा महंगी है, लेकिन ये तेज़ नहीं है, टोयोटा सुप्रा बहुत ज़्यादा सस्ती है और बहुत ज़्यादा तेज़ है भाई, वो पता है $50,000-$60,000 की मिल जाती है। और उसकी जो स्पीड है भाई, क्या भाई टर्बो यूज़ करने के बाद 306 गई है ये, एक बार टर्बो यूज़ कर सकते हैं भाई। इसकी स्पीड कम हो रही है यार, ये 300 तक पहुंच ही नहीं सकती, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। इसकी स्पीड कम होती है, एक बार यूज़ करते हैं और देखते हैं इसका टॉप स्पीड कितना जाता है। ओके प्लीज़ इस बार थोड़ा ज़्यादा, ओके 309 गया है इसका टॉप स्पीड, जो कि मुझे नहीं लगता अच्छा है। चलो चलते हैं इस समय भी रेस किट लगवाते हैं। अरे अंकल कोई अच्छा रेस किट लगा दो, ये कार नहीं दौड़ रही यार। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने रेस किट लगवा दिया है, चलो चलते हैं ड्रैग रेस के लिए। ओके गाइस, तो फाइनली हमारी ऑडी R8 रेस के लिए तैयार है, और देखते हैं 0 to 100 नहीं चेंज हुआ। भाई यार अब मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है भाई। रेस किट से कुछ होता है या नहीं भाई, पता नहीं भाई, इस गेम का ग्लिच है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है। बट हम लोगों ने रेस किट लगवाया है, और देखना होगा क्या कोई चेंज होता है या नहीं। टॉप स्पीड में देखते हैं, टॉप स्पीड में कोई चेंज आता है या नहीं।
आना चाहिए भाई, वरना धोखेबाजी है भाई, ये तो गलत है। ओके टर्बो, प्लीज टर्बो वर्क। नहीं नहीं भाई, सेम गया है। एक और टर्बो है अपने पास, देखते हैं 310 तक ही पहुंच जाए यार। एक और टर्बो यूज़ करते हैं भाई, इसकी भी स्पीड कम हो रही थी। ओके भाई, तो इस बार टॉप स्पीड गई है 316, और मुझे लगता है ये टोयोटा सुप्रा से कम है। तो हाँ भाई, अपनी टोयोटा सुप्रा सेकंड है, फर्स्ट अपनी पोच है, थर्ड अपनी ऑडी R8 है, और फोर्थ है अपनी लैम्बोर्गिनी। ओके गाइस, तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आज के एपिसोड में हम लोगों ने कंप्लीट किए अपने 100 डे का सफ़र, और भाई हम लोगों ने 100 डे में अपना एक बहुत बड़ा कार शोरूम तैयार कर लिया है, और इसमें हमारी बहुत कमाल सुपर कार भी हैं। लेकिन भाई अपडेट के बाद ये गेम पता नहीं क्या हो गया इसको, जो रेयर कार है वो हम लोगों को मिली नहीं। डॉज वाइपर, निसान GTR, या अपनी माजदा X7, ये कोई भी कार नहीं मिली, नहीं ऑक्शन में मिली, नहीं कहीं मिली मेरे को। मिलती है तो ड्रैग रेस में, जहां हम लोग इनसे बैटल कर ही नहीं सकते, बैट इस कार कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक प्यारा कार शोरूम बनाया है। और गाइज, मेरे को कमेंट करके बताओ, क्या आप लोगों को इसका नेक्स्ट 100 डे देखना है? क्या आप लोग चाहते हो मैं 100 दिन और इस गेम को खेलूं, ताकि हम लोगों को पता चले कि वो रेयर कार हमें मिल सकती है या नहीं? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक कर दो भाई, लाइक टारगेट है अपना 500 लाइक्स का, तो फटाक से आगे लाइक कंप्लीट कर देना। तो गाइज, आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अरे क्या कर रही दीदी हमारी कार के अंदर? ये अंदर नहीं है, ये क्या कर रहे हैं ये लोग? अरे ये दोनों बहनें क्या कर रही हैं मिल गए? ये कार क्या 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 मतलब, ये कार इतनी ज्यादा अच्छी है तो ये सब करोगे?